गुड। थोड़ा जरा कम ना छोटा। या सॉरी। सर सर आप म्यूट हो। हाँ जी, हो गया अभी। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबने पार्टिसिपेट किया। मुझे खाली थोड़ा नजर, कभी जरा टाइम लगे, मुझे हर एक का नाम देख नहीं पाऊँ शायद इतनी स्पीड से। इसको ये कर, सॉरी, जस्ट 1 सेकंड। थैंक यू। सो सेकेंडली, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं इफ एट ऑल दवाई की जरूरत पड़े तो मोस्ट हार्मलेस स्वीट और थोड़ी थोड़ी दवाई खा के आराम पड़े और हम हेल्थ को जड़ से हरा भरा रखें। देखिए, जड़ अच्छी रहेगी तो पेड़ हरा भरा रहेगा। इंसान की बीमारी तो जड़ से ही जाती रहती है ना। लोग तो ऊपर के पत्ते काट देते हैं, जड़ तो वैसी रहती, वापस आ जाती है। तो हमारा सिस्टम जो है वो जड़ से ही ठीक करता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि वो जड़ से ठीक करना चाहते हैं? सो यू कैन राइट आर, आर फॉर रूट्स, चैट बॉक्स में आर डाल दीजिए। वेरी गुड। सईद जी, चंद्रा जी, ग्रेट, कुसुम जी, दीप्ति जी, कार्तिक जी, राहुल जी, अनीता जी, वाह वंडरफुल, बहुत अच्छे। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी फास्ट आप लोग कम्युनिकेट करते हैं। वन ऑफ द, मेरे ख्याल से तो फास्टेस्ट ऑडियंस है आज हमारे पास। हमने इतने सेमिनार किए लेकिन इतने फास्ट आप लोग आते हैं, सो दैट मीन्स कि आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। सो मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मैं डॉक्टर सुशील शर्मा, मैं थाना मुंबई से बोल रहा हूं। आप लोग कहाँ से हैं तो अपने अपने जरा एरिया का नाम टाइप कर सकें, चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए, जिससे कि हम एक दूसरे को, कर्नाटका, दिल्ली, नोएडा, कर्नाटका, ओडिशा, वंडरफुल, सिलगुड़ी, दिल्ली, बिहार, भरूच, जालना, आंध्रा, क्या बात है। सो पैन इंडिया, पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू एवरीवन। एंड मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि हम जो आज करने जा रहे हैं, जो हेल्थ के बारे में बताने जा रहे हैं, सर ने तो मेरा काफी ऊंचा बिठा के रख दिया कुर्सी के ऊपर, सर ने मुझे, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है जरा। अच्छा किया सर ने 10 साल कम करके बताया। मेरे 48 ईयर्स 8 तारीख को पूरे हो गए और 3 साल कॉलेज के, तो टोटल मार लीजिए 51 साल तो हो गए। सो जिम्मेदारी बढ़ जाती है मेरी। तो हम जो है हमारे इसमें हेल्थ के मामले में, जैसे हम कोलैबोरेट करते हैं किसी कंपनी, कंपनी टू कंपनी कोलैबोरेट करते हैं, दो कोचेस कम्युनिकेट करते हैं, कभी कभी कोचेस गुरु के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, हमारे फोरम पे करते हैं हम लोग सब। इसी तरह हेल्थ के विषय में भी हम कोलैबोरेशन करते हैं। तो कोलैबोरेशन किसका, किसके साथ कोलैबोरेशन होता है? डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। दीप्ति जी, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कोलैबोरेशन होता है। डॉक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, कितना भी बढ़िया टीचर हो, सिखाए तो उससे कोई फर्स्ट क्लास नहीं आने वाला, टॉप क्लास नहीं आने वाला है, अनलेस डॉक्टर और स्टूडेंट के बीच में सही कोलैबोरेशन हो और एक जो सही कम्युनिकेशन हो और सही पालन करे स्टूडेंट, तो नेचुरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। यस और नो, आप एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में आर टाइप कर दीजिए रिजल्ट के लिए।
हाँ टाइप कर दीजिए। फिर राहुल जी, किरण जी, मिर्जा जी, शाहीन जी, वंडरफुल, चंद्रा जी, ग्रेट, मोहम्मद नजीर जी, ग्रेट, बहुत अच्छे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई अप्रिशिएट द ऑडियंस टुडे, आई एम वेरी हैप्पी। मैं दोस्तों, जब कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हमेशा नियम बनते हैं कुछ, हमेशा कुछ। कोई भी खेल होता है या कोई बिजनेस होता है, उसके नियम होते हैं कुछ। तो आज हम लोग भी अपने नियम बनाएंगे, ग्राउंड रूल तैयार करने पड़ेंगे हमें। मुझे मालूम है कि आज की ऑडियंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, जो बहुत विद्वान है, पढ़ाई काफी की है, जिन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से सीखा है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, अच्छे अच्छे सेमिनार्स अटेंड किए हैं। तो सबसे पहले तो हम सब जन मिलके पहले तो ये देख लेते हैं, एक रिजल्ट जो हमें बताया गया, हमारे गुरु ने हमें बताया कि यदि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, वाइब्रेंट हेल्थ पैदा करना चाहते हो, अच्छी स्माइल लोगों के चेहरे पर देना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया है, वन सेकेंड, मुझे जरा देखने दीजिए कि कितने लोग विंडो खोल के बैठे हैं, क्योंकि मैं जब पास ऑन करूंगा तो मुझे दिखाई देना चाहिए ना। वाइब्रेंट हेल्थ ऐसे थोड़ी बंद कमरे से जाती है, खिड़की बंद से जाती है, वो तो खुली हवा से आती है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू चंद्रा जी, थैंक यू अरविंदर जी, रचना जी, ग्रेट। बाकी लोग, शमीम जी खोलिए खिड़की, जेवियर जी, जोसेफ जी, शमीम शमीम जी, चेतन जी, खिड़की खोलिए, मजा आएगा। कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो खिड़की तो खोलनी पड़ेगी। देखा, प्लीज ओपन द विंडो और रिजल्ट ज्यादा बेटर आएंगे आपके। सो थैंक यू वेरी मच। तो मैं देखना चाहता हूं अपने गुरु को कितनी इज्जत देते हैं आप लोग। तो आज हम सबसे पहले अपने सारे गुरुओं को जिनसे हम सीखे हैं उनको प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, अपने हाथ आगे फैलाइए, इमेजिन कीजिए इसमें लोटा रखा हुआ है। हम लोटे से पानी चढ़ाते हैं, सूरज के सामने चढ़ाते हैं, गुरु के पैरों पर पैर धोते हैं आशीर्वाद के लिए। तो हमें वो ज्ञान का लोटा हमारे हाथ में है। आज हम क्या करेंगे, सारा ज्ञान जो हमारे दिमाग में है उसको हम लोटे के माध्यम से, उसको पहले हम खाली कर देते हैं लोटे। भरे लोटे में तो ज्ञान भरे घुसेगा नहीं, तो लोटा खाली हो जाएगा तो उसके अंदर आप उसमें ले सकते हैं ज्ञान, और जो काम का है उसको रखिए, जो नहीं है काम का उसको निकाल दीजिए। सो किया आप लोगों ने, लोटा खाली कर दिया, यस और नो? यदि किया तो एल एल कर दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए एल, खाली लोटा, डन, जगह खाली हो गई। वंडरफुल वंडरफुल, कार्तिक जी ग्रेट, किरण जी ग्रेट, दीप्ति जी, सुनीता जी, सहित जी, राहुल जी, वंडरफुल वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती है क्योंकि उसमें मुझे दिखाई देते हैं नाम, लैपटॉप में दिखाई नहीं देते, इसलिए तो सॉरी। इधर नजर इधर उधर करने में कुछ नाम निकल जाते होंगे। मोहम्मद गौस जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, आई एम प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, मैं छोटी सी अपने बारे में यदि मैं परमिशन लूं आपसे, मुझे मालूम है कि आप लोग सब काम छोड़ के बैठे हैं आज, चाहते तो आप अपने घर में फैमिली के साथ आनंद ले सकते थे, टीवी का, बाहर घूमने जा सकते थे, फिर भी आप यहाँ पर हैं। तो हम वो सब्जेक्ट चालू करने के पहले थोड़ा मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ, क्या मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ, अपनी जर्नी बता सकता हूँ? इफ यू से यस आई विल डू इट, अदरवाइज वील गो अहेड। इफ यस तो वाई टाइप कर दीजिए। कुसुम जी ग्रेट,
नो ओके सर, मिर्जा जी यस, लक्ष्मण जी यस, भरत, डॉक्टर भरत जी यस, एमके जी यस, वंडरफुल, सो मोस्ट ऑफ देम दे वांट यस, थैंक यू एवरी, रचना जी ग्रेट। सो तो मैं बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन जो मेरी जर्नी है, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, तो बम्बैया चाल तो पहले से फेमस है, हम एक चाल में रहते थे। मैं चौथी क्लास में जब खेलता था और लोग मुझसे पूछते थे क्या करना है जिंदगी में, खेल खेलते खेलता ही रहेगा, क्या बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं हमेशा कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा। फोर्थ स्टैंडर्ड से मेरा फिक्स था टारगेट कि आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर। थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि जब कभी बुखार मुझे आया करता था तो मुझे डर लगा करता था, जब भी बुखार आए तो फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर आने लग जाता लगने लगता था, मैं बड़ा परेशान हो जाता था। अब डॉक्टर को बोलो तो किसी को मालूम नहीं था, एलोपैथिक डॉक्टरों को, फैमिली डॉक्टर्स को कुछ समझता ही नहीं था। ऐसे में टाइम निकल गया, तो जब मैं मेडिकल में आया तो मुझे मालूम पड़ा फियर ऑफ डेथ के लिए भी दवाई हमारे होम्योपैथी में है, तो मैंने दवा ली, उस दिन से फियर पूरा निकल गया मेरा। एक बार मेरा लेटर एज में नींद में कभी अचानक ऐसे जर्क लगता है ना, तो जब जर्क लगता था मुझे अचानक डर लगता था कहीं पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगी। अब 40 के ऊपर की एज थी, 40 50, कहते हैं नॉट 40 इज नॉटी, तो 40 45 के बीच में बहुत सारी घटनाएं हुआ करती हैं, तो वो डर लगने लग जाता था। मैंने किताब खोली, दवा निकाली और पता चला, वो दवा ले ली, उसके बाद आज तक मुझे डर नहीं लगा। चमत्कार है ना दोस्तों, यस और नो? यदि आप एग्री करते हैं चमत्कार है, ये होम्योपैथी का चमत्कार है, मेरा नहीं। यदि आपको लगता है चमत्कार है तो सी टाइप कर दीजिए एक बार, मैं ज्यादा टाइप नहीं कराऊंगा आपसे, इसके बाद हम सब्जेक्ट पे आ रहे हैं। वंडरफुल कुसुम जी, ग्रेट, किरण जी, एनके जी, विकास जी, गौस जी, मोहम्मद नजीर, मिर्जा बेग जी, ओके वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे, मैं जरा एक सेकेंड, जब तक एक सेकेंड, जरा तो टेक्निकल एक सेकेंड के लिए रुकूंगा और पीपीटी। वन सेक, जरा था टेक्निकल, जरा टेक्निकल पर्सन इज देयर विथ मी, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, दिखाई देता हूं खाली, मेरी उम्र है सिर्फ 60 साल, 12 साल का बोनस है मेरे पास। आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। वंडरफुल। तो हम ये होलिस्टिक अप्रोच टू हीलिंग, इस सब्जेक्ट का आपने बहुत सुना होगा, होलिस्टिक क्या होता है हमारा सिस्टम से आपको पता चलेगा आज। आई एम डॉक्टर सुशील शर्मा, आई डिड एमडी इन होम्योपैथी, आई डिड पीजी इन होम्योपैथी फ्रॉम लंदन, मैं एज ए प्रिंसिपल, मैं साई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ थाने मेडिकोज सोशल वेलफेयर एसोसिएशन थाने, वाइस प्रेसिडेंट थाने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एसोसिएशन थाने, रेसिपिएंट ऑफ जीवन रक्षा गौरव पुरस्कार। सो ये मेरे थोड़े बहुत अचीवमेंट्स हैं। ये मेरा कॉलेज का लंदन में हेनेमैन होम्योपैथिक कॉलेज के वहाँ वो कॉन्वोकेशन उनकी तरफ से हुआ था, एंड द हॉल वॉज रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, उनके हॉल में हुआ था ये मेरा। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न आता है
हम क्या कर रहे हैं, हम आज के समय वी आर एक्सप्लोरिंग इनटू द प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी इन हीलिंग वेरियस एलिमेंट्स, हम इसके बारे में कई एक पता लगाते हैं। अब प्रश्न आता है, बहुत सारे लोगों को आज भी मेरे पास पढ़े लिखे लोग आते हैं बहुत सारे और बोलते हैं होम्योपैथी क्या है सर। तो लेट मी टेल यू, आप सबके नॉलेज के लिए, होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन फाउंडेड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन इन लेट 18th सेंचुरी। जर्मनी में डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने इसकी स्थापना की। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइक क्योर्स लाइक, मतलब लाइक जैसे कहते हैं ना, जहर को जहर मारता है, इसी तरह लाइक क्योर्स लाइक। मैं आगे डिटेल में आता हूं उसके ऊपर। एंड लॉ ऑफ मिनिमम डोज, होम्योपैथी में सबसे छोटी छोटी डोजेस तो होती हैं। स्लाइड्स मूव नहीं हो रहा है, देखो नहीं दिखाई दे रहा है? पहला वाला स्लाइड से मूव नहीं हो रहा। यस डॉक्टर साहब, मैं स्लाइड यहां से शेयर करता हूँ, आप उसको बताइए, एक्सप्लेन करिए। स्लाइड्स अभी यस आ ओके रहा है? नाइन नहीं। यस ओके आ रहा है। ओके, आप कीजिए सर, गो टू नेक्स्ट। डॉक्टर साहब मैं स्लाइड यहाँ से शिफ्ट प्ले करता हूँ, एक ओके मिनट। सर, आप कर दीजिए सर, सॉरी। यस या ये हो गया, यस यू गो टू नेक्स्ट। यस फोटो के बाद में सर, नेक्स्ट इसके बाद सर। सो व्हाट इज होम्योपैथी, हम बोल रहे थे। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लाइक क्योर्स लाइक। इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच फोकसिंग ऑन ट्रीटिंग द होल पर्सन रादर देन जस्ट डिजीज। होम्योपैथी में वी डोंट ट्रीट डिजीज, वी ट्रीट अ पर्सन। हु इज सिक, बीमार कौन है? इंसान। तो हम वो इंसान को ठीक करते हैं, तो बीमारियां तो वैसे भी बाकी सब भी निकल जाती हैं। यदि हम हाथ को ट्रीट कर रहे हैं लेकिन इंसान वैसा का वैसा रह जाता है, तो हम वी टेक होल पर्सन, ये हमारी स्पेशलिटी है। नेक्स्ट, ये हमारे फादर हैं डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन, जिन्होंने होम्योपैथी ये डिस्कवर की थी। और अभी 10 तारीख को हमारा वर्ल्ड होम्योपैथी डे आके गया है, तो नमस्कार उनको। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी इज अ साइंस एंड आर्ट। आई टेल यू हाउ। साइंस है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ नियमों के ऊपर आधारित है, प्रिंसिपल्स पे आधारित है, जैसे लॉ ऑफ सिमिलर्स, लाइक क्योर्स लाइक। ए सब्सटेंस दैट कॉजेज सिम्टम्स इन हेल्दी पर्सन कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन सिक पर्सन। हमारी भारतीय परंपरा में कहते, आयुर्वेद में कहते थे, विशस्य विषम औषधम, जहरी जहर की दवा है। अब उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, एक सिंकोना बार्क एक पेड़ की छाल थी, वो खाने से आदमी को ठंडी लगती थी, मलेरिया जैसी ठंडी लगती थी। तो उन्होंने देखा कि वो वही सिंकोना बार्क को उससे दवा बना के यदि देते हैं मलेरिया के पेशेंट को, तो मलेरिया ठीक हो जाता। लाइक योर्स लाइक, इसी तरह समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, प्याज काटते हैं हम तो आंख में जलन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है। और हम नॉर्मल लाइफ में पेशेंट देखते हैं, वो पेशेंट जिनकी आंखें लाल रहेंगी, आंखें जल रही होंगी, आंख से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, और उसमें होम्योपैथी प्याज से बनी हुई होम्योपैथिक दवा देते हैं तो उसकी वो सर्दी ठीक हो जाती है। सो लाइक क्योर्स लाइक, जो चीज से हेल्दी इंसान में सिम्टम आते हैं, वही सिम्टम यदि बीमार आदमी आप में आ गए तो उसके लिए उसमें से दवा बनती है। ये सिस्टम है इसका। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन। ट्रीटमेंट, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट जो होता है वो टेलर मेड जैसा होता है, हर पेशेंट के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। 10 पेशेंट बुखार के होंगे तो 10 को अलग अलग दवाइयां लग सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर माइंड सिम्टम, डिपेंडिंग अपॉन देयर इमोशंस,
देयर बॉडी लैंग्वेज, उनके बाकी क्या बोलते हैं, क्या खा रहे हैं उसके ऊपर. सो हर पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है. थर्ड प्रिंसिपल इज मिनिमम डोज. एडमिनिस्टरिंग स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेडिसिन नेसेसरी टू स्टिमुलेट द बॉडीज हीलिंग रेस्पॉन्स. अब एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया को मारती है. तो बॉम्ब गिरेगा तो अच्छे लोगों को ही मारेगा और बुरे लोगों को ही मारेगा. इसी तरह एंटीबायोटिक जब पेट में जाती है तो वो जर्म्स को भी मारती है, बैक्टीरिया को ही मारती है, और वहां पे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो बी कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाते हैं उनको भी खत्म कर देती है. इसीलिए एलोपैथिक मेडिसिन के बाद में, बुखार के बाद हमें वीकनेस काफी आ जाती है. जबकि एलोपैथिक से, होम्योपैथिक से जब ट्रीटमेंट मिलता है तो कल तक बुखार था आदमी को, आज एकदम फ्रेश रहता है और चला जाता है काम पे. तो मिनिमम डोज का है एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिमम डोज. और वहां पे एंटीबायोटिक मारती है बैक्टीरिया को, लेकिन होम्योपैथी क्या करती है, बॉडी के अंदर जो उनके हीलिंग पावर है, इनर हीलिंग पावर, उसको जगाती है. और वो इंसान के अंदर वो पावर जो है, हीलिंग पावर, वो उसको वो शक्ति देती है कि वो बीमारी से लड़के क्लियर हो जाता है. तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये इम्यूनिटी बढ़ा देती है, एंड वी आर आवर हीलिंग पावर फाइट करता है. इसके लिए आईआईटी पवई मुंबई में होम्योपैथी के ऊपर, डोज के ऊपर रिसर्च चल रहा है नैनो मेडिसिन के रूप में. ये आपको मिल जाएगा, देख लेना, इसमें गूगल पे मिल जाएगा कभी. तो प्रिपरेशन ऑफ सर, मेरे लैंग्वेज का इंग्लिश हिंदी कुछ कॉम्बिनेशन चलेगा आप लोगों को? परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर. सो प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बनती कैसे है? होम्योपैथिक मेडिसिन को भी समझो, जैसे समझो जैसे प्याज से बन रही है, लहसुन से भी बनी है, एलियम सटाइवा, हर चीज से बनी है. तो वो पार्ट होता है उसको डाइल्यूट किया जाता है. समझो वन पार्ट ऑफ सब्जेक्ट प्रोडक्ट एंड 9 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल, और इसको पर्टिकुलर इसमें हिलाते हैं, सकशन होता है, उससे एक पोटेंसी बनती है. फिर इसमें से एक पार्ट और 9 पार्ट अल्कोहल, वो 2 पावर बनती है. इसी तरह दवाई हम देते हैं 30 पावर की, 200 पावर की, 1000 पावर की, 10,000 पावर की. तो उसमें प्रोडक्ट कैसे दिखाई देगा आप, उसमें उसकी डायनामिक पावर आती है. आप लोगों को किसका एक्सपीरियंस होगा, मेरा तो है. मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब मैंने देखा कि माँ मुझे दे देती थी वो हलवा बना के बादाम का, तो बोली इससे यादगार अच्छी रहेगी. तो मेरी आदत थी, मैं एक बादाम भिगा के रखता था, उसको घिस के और दूध में मिला के उसको पी जाता था. उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे थे याददाश्त में, सिंगल बादाम. लेकिन उसका होम्योपैथिक सिस्टम था वो. तब तो मुझे होम्योपैथी नहीं आती थी, लेकिन सी वो चीज यहां पर आती है. सो होता क्या है, इससे इस तरह बनाने से वो दवाई के टॉक्सिक इफेक्ट्स निकल जाते हैं, जो खराब इफेक्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, और उसकी दवाई की प्रॉपर्टीज जो है उभर के आती है. डायनामिक पावर, डायनामिसिटी को मैं बताने वाला हूं. देर आर वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेज यूज इन होम्योपैथी. प्लांट्स हैं, मिनरल्स हैं, कहीं कहीं कुछ दवाइयां लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं. सांप के जहर से भी दवाइयां बनी हैं. तो हर प्रोडक्ट से दवाइयां बनी हैं. मैं डायनामिसिटी के ऊपर बताता हूं. हमारे अंदर एक डायनामिक पावर होता है हर एक के अंदर, उसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं. वाइटल फोर्स दैट गवर्न्स द होल बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर उसका पावर, ये गवर्न, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ द बॉडी. व्हाट इज डिजीज? डिजीज इज डिस ईज. हम ईज है, हमारी ईज डिस्टर्ब होगी तो डिजीज हो जाती है. अब वो कैसे होती है, जब हमारा वाइटल पावर पावर जो है इट इज डिस्टर्ब्ड बाय इनर और एक्सटर्नल मीन्स, तो वो
डिजीज हो जाती है। और जब हम दवा देते हैं, व्हेन इट इज रेस्टोर टू नॉर्मलसी इट इज हेल्थ। ये हमारा बेसिक सिस्टम है। तो हाउ होम्योपैथी वर्क्स, होम्योपैथी स्टिमुलेट्स द बॉडी बॉडीज इनबॉर्न हीलिंग मैकेनिज्म, दैट इज वाइटल फोर्स। जो मैंने बताया, वाइटल एनर्जी भी कहा जाता है, स्पिरिट बोल सकते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ। होम्योपैथी एड्रेसेस द रूट कॉज ऑफ द इलनेस। होम्योपैथी से हम वो जड़ तक पहुंचने का, सलमान सर हमको सिखाते हैं ना, यदि आपको कुछ काम करना है तो जड़ पे काम कीजिए तो देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसी तरह जब हम जड़ तक पहुंचते हैं तो बीमारी जड़ से निकलती है, रादर देन अभी मलम वगैरह लगा के दवाइयां ये सप्रेस कर देती बीमारियों। और नियम ऐसा है कि होम्योपैथी में बीमारी बाहर से अंदर जाती है और क्योर अंदर से बाहर होता है। तो मलम लगाने से दवाई ऊपर चमड़ी तो ठीक दिखने लग जाती है, लेकिन बीमारी अंदर चली जाती है, इनर पार्ट्स को अफेक्ट करती है, एब्डोमेन को करती है, आंतड़ियों पे करती है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, लंग्स पे असर होता है, अस्थमा हो जाता है, बहुत सारी चीजें इनर पार्ट्स मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे चली जाती। तो इसलिए हम लोग कभी होम्योपैथी में मलम नहीं देते। देन नेक्स्ट इज होम्योपैथी ट्रीट्स द इंडिविजुअल एज ए होल, एज ए होल पर्सन। इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर केस हिस्ट्री जरा डिटेल में लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, आगे मेरा आएगा तो कैसे होल सब्जेक्ट को लेके किया था मैं बताऊंगा। नाउ इंडिविजुअल एज ए होल कंसिडरिंग द फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। इसे लोग बोलते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत पूछते हैं। हम आपसे पूछते हैं आपकी तकलीफ है, आपके मन का रिलेशन, पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री पूछते हैं, खाने पीने की आदतें, हर चीज का असर होता है बॉडी के ऊपर। सो बॉडी एज ए होल, पर्सन एज ए होल, हु इज सिक, द पर्सन इज सिक। नेक्स्ट प्लीज। नाउ कंडीशंस ट्रीटेड विथ होम्योपैथी इन शॉर्ट ये जो दिए हैं, एक्यूट डिजीजेस लाइक कोल्ड्स, फ्लू, इंजुरीज, इवन बिग बिग इंजुरीज, हेड इंजुरीज में हमने देखा है बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्रॉनिक कंडीशंस लाइक एलर्जीज, अस्थमा एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडीएसडी, पीडियाट्रिक एलिमेंट, बच्चों की बीमारियां जैसे कोली पेट दर्द होता है, टीदिंग एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। ये इन एग्जाम्पल एक उसमें दिया है इन शॉर्ट नटशेल, बाकी मैं आगे आ रहा हूँ। एफिकेसी एंड रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स इसके ऊपर चलते रहते हैं और रिसर्च होता रहता है सपोर्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथी। पॉजिटिव आउटकम्स जो हैं इन वेरियस कंडीशंस कंपेयर टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट इज एक्नोलेज्ड। होम्योपैथिक सिस्टम इज एक्नोलेज्ड बाय WHO एंड अदर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स। तो राइट फ्रॉम विवेकानंद जी, गांधी जी, मदर टेरेसा, सारे लोगों ने ये प्रिफर किया है कि होम्योपैथी इज द वन विच कैन रियली टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द कंट्री, चीपर एंड इजियर। नेक्स्ट प्लीज। नाउ पेशेंट सेंट्रिक केयर, डिटेल्ड कंसल्टेशंस। होम्योपैथिक डॉक्टर क्यों डिटेल कंसल्टेशंस करते हैं? टू अंडरस्टैंड द पेशेंट सिम्टम, पेशेंट के सिम्टम्स, लाइफस्टाइल और इमोशनल स्टेट को स्टडी करने के लिए हम डिटेल में स्टडी करते हैं। द ट्रीटमेंट प्लान्स कस्टमाइज्ड फॉर ईच इंडिविजुअल, हर इंसान के लिए पर्टिकुलर दवाई सिलेक्ट होती है। एम्फेसिस ऑन पेशेंट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। सिर्फ दवा से ठीक नहीं होता, दवा इज वन, लेकिन देर आर अदर पार्ट्स। पेशेंट एजुकेशन है, देर इज अ काउंसलिंग है, देर इज अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, देर आर मोटिवेशंस है, हर चीज काम आती है पेशेंट को ठीक करने। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट सर, हेलो सर, नेक्स्ट प्लीज।
या कंक्लूजन इन शॉर्ट, होम्योपैथी ऑफर्स अ जेंटल इफेक्टिव एंड होलिस्टिक अप्रोच टू हीलिंग. इट एम्ब्रेसेस द बॉडीज इनबॉर्न एबिलिटी टू हील इटसेल्फ. ये बॉडी के इनबॉर्न एबिलिटी को ही जागृत करती है, जगाती है. इट एनकरेजेस कोलैबोरेशन बिटवीन पेशेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स फॉर ऑप्टिमम हेल्थ आउटकम. जो मैंने कहा आपसे, कोलैबोरेशन लगता है डॉक्टर का और पेशेंट का, जिससे कि बेस्ट ऑफ बेस्ट हेल्थ पेशेंट गेन कर सके. नेक्स्ट प्लीज. सम अदर कंडीशंस वेयर होम्योपैथी वर्क्स. सो फ्रेंड्स, डू यू गेट द आइडिया अबाउट होम्योपैथी? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट होम्योपैथी. वेट, तो इफ यस देन यू कैन प्लीज राइट डाउन व्हाई. इफ यू एग्री, यू हैव अंडरस्टूड द दिस थिंग, आई विल आंसर ऑल क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड एट द एंड, इफ रिमेनिंग. सो व्हाई लिख दीजिए. गौरव जी, वंडरफुल सर, गौरव कुमार जी, आपको यू गॉट द आइडिया ऑफ होम्योपैथी? चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए. चैट बॉक्स हमें जगाने का काम करता है. दीपाली जी, ओके गुड. तो अब हम देखते हैं होम्योपैथी कैसे रिजल्ट देती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ. नेक्स्ट प्लीज. ये कुछ कंडीशंस बता रहा हूं. एलर्जी में होम्योपैथी, एलोपैथी में एलर्जी पे दवा नहीं होती. मेरे पास कुछ डॉक्टर्स रिफर करते हैं एलर्जी के लिए, आई की एलर्जी हो या रेस्पिरेटरी एलर्जी हो, सर्दी खांसी दमा वगैरह, दे रिफर कि उसके लिए खाली हम दवा दे के रोक सकते हैं लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकते. वाहल मैंने देखा है, मैंने 30 साल 40 साल पहले ठीक किए हुए लोग, आज तक उनको दोबारा कभी इंजेक्शन नहीं लगते. नेक्स्ट प्लीज. एलर्जी, इट वर्क्स वंडरफुली. एसिडिटी, एसिडिटी द लाइफस्टाइल डिजीज टुडे. एसिडिटी में क्या होता है, एसिडिटी का कारण क्या है मेन? हमें बताया जाता था एसिडिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हरी वरी एंड करी, जो जल्दबाजी में काम करते हैं. हरी हरी वरी माइंड फैक्टर, दोनों माइंड फैक्टर हैं. चिंता जो ज्यादा करते हैं, बहुत सोचते हैं, उन लोगों को एसिडिटी बहुत होती है. और करी, तीखा जो खाते हैं. मैंने देखा है हरी मिर्ची से उतनी एसिडिटी नहीं होगी, लेकिन अचानक कोई टेंशन आ गया तो उससे फौरन एसिडिटी होती है. और एसिड कौन सी होती है, वही जो टॉयलेट साफ में साफ करते हैं टाइल्स को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही पेट में बनती है, इसलिए वो जलाती है अंदर की और वहां अल्सर पैदा करती है. सो एसिडिटी के लिए होम्योपैथिक इज द बेस्ट. देन टुडे, आज इसकी तो लोगों को काफी, पीपल गो फॉर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के बाद भी आते हैं हमारे पास पाइल्स, फिशर्स एंड फिशुला. होम्योपैथी इसमें बेस्ट काम करती है. अभी मुझे एक, मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे एक पेशेंट थे, उनको 6 महीने पहले मैंने चालू किया ट्रीटमेंट. 6 महीने सब ठीक ठाक चल रहा था. पिछले 15 दिन पहले कहीं शादी में गई, वहां उस तीखा वीखा खाने का मन आ गया, एकदम खा गई खूब दिल से, और उसके बाद तकलीफ हुई. तो बोली डॉक्टर दवाई कर रही हूँ फिर भी तकलीफ हो गई. मैंने बोला कोई बात नहीं, तीखा खाया आपने तो डजंट मैटर, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. तो उनकी बहू ने बोला कि दवाई भेज देना सर. मैं दवा भेजी और दादी माने रिफ्यूज कर दी दवा, कि दवाई नहीं चाहिए. मैं जुपिटर हॉस्पिटल में, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाके अपॉइंटमेंट लिया है. मैंने वंडरफुल, दवाई रख ली. 15 दिन के बाद फोन आता है, डॉक्टर वो दवाई भेज देना मेरे लिए. बोला पहले अपनी दवाई खत्म कर लीजिए जुपिटर की. बोले नहीं, उससे तो मेरा बिल्कुल ही आराम नहीं पड़ा, आपकी दवाई से तो आराम पड़ जाता. सी, सिंपल मेडिसिन, छोटी छोटी 3 गोलियां रिजल्ट ये लेके आती है. नेक्स्ट प्लीज. तो इन तीनों चीजों में अक्सर हर्पिस में, हर्पिस में लोग स्टीरोइड देते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, हमारी होम्योपैथिक दवाएं 3 दिन में इसको बिठा देती हैं. हर्पिस मतलब मराठी में नागिन बोलते हैं, और हर्पिस कॉमन है, वायरल होता है, बिल्कुल चिकन पॉक्स टाइप का रहता है वो, एक नस के ऊपर होता है. तो इसके लिए होम्योपैथी इज द बेस्ट. नेक्स्ट प्लीज.
इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इज अ टोटल कोलैबोरेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट उनका कम्युनिकेशन, उनका काउंसलिंग, मेडिसिन, फॉलोअप्स, ए टोटल प्रोसेस होती है और होम्योपैथिक से, क्योंकि उनका माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। जिनको बच्चे नहीं है वही जानते हैं उनके मन की हालत क्या होती है, जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आई हैव गिवन मेनी मेनी चिल्ड्रन आफ्टर दिस। नेक्स्ट प्लीज। ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ओबेसिटी, वजन, अपनी आदतों की वजह से। लेकिन हमने देखा है कि होम्योपैथी विथ अदर कुल, ये भी कोलैबोरेशन का काम है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, इससे ठीक हो जाता है। मेरा खुद का, मैंने 20 किलो वजन कम किया था। नेक्स्ट प्लीज। आज की डेट में ये बहुत कॉमन हो गया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड लंबर स्पॉन्डिलोसिस। ये रीढ़ की हड्डी बहुत जल्दी डिस्टर्ब होती है आज के डर में। उसके कारण है लोगों के अपने काम करने के ढंग, लगातार कुर्सी पर घंटों बैठने की वजह से ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम आता है। डेंटिस्ट में कमर में तकलीफ होती है, आई स्पेशलिस्ट को गर्दन की तकलीफ होती है, जो माइक्रोस्कोप से काम करते हैं उनको गर्दन पर तकलीफ होती है। सो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, कंप्यूटर वालों को गर्दन में तकलीफ बहुत होती है। तो लेकिन होम्योपैथी, इसका मैं रिजल्ट बताऊंगा 2 मिनट के बाद में। यस, नेक्स्ट प्लीज। सायाटिका इट्स एक्सक्रूशिएटिंग पेन, सायाटिक नर्व की पेन जिसको होती है वही बता सकता है कि कितनी सीवियर पेन होती है। लेकिन होम्योपैथी वर्क्स वंडर्स नर्व्स के लिए, तो होम्योपैथी क्लास होती है। नेक्स्ट प्लीज। मुझे बताइए, प्रश्न चिन्ह आपके लिए, ये मैडम क्या दिखा रही है, अपनी जीरो फिगर या स्ट्रेचिंग करने जा रही है, उसकी एक्सरसाइज दिखा रही है, क्या व्हाट आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है? आप लोग बोल सकते हैं। लोअर बैक में प्रॉब्लम है सर। लोअर बैक में प्रॉब्लम है, वेरी गुड। और बैक कुछ पेन, है जी? बैक पेन बैक पेन, और अक्सर बताइए लेडीज को होता है। जी, और बताइए कुसुम जी, बैक पेन और क्या बता रहे हैं, बताइए। खांसी हो रहा है सर। वही है ना सर मेन, तो मेरी मम्मी क्लियर दिखाई दे रहा ना आप लोगों को, टेलीफोन। टेल बोन का। ओके, बेसिकली क्या है मालूम है, इनका हाथ कंपेरेटिवली थोड़ा ऊपर है, हथेली उनकी, ये कहाँ पर है देखिए आप, उनका रिस्ट कहाँ पर रखी हुई है, एंड दैट इज द किडनी। हेलो, नेक्स्ट प्लीज। किडनी हाँ बोन, हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। सर, मैं लक्ष्मण बीरवानी खांसी बोल हो रही है, रहा हूँ। खांसी। बोलिए सर। हेलो म्यूट म्यूट, हाँ जी सर। सर, खांसी हो रही है। सर क्वेश्चंस बाद में सर, प्लीज अभी तरह फिलहाल लेट दिस गो, खत्म होने के बाद में बात करेंगे। म्यूट कर लीजिए सर। ओके, तो देखिए क्या होता है, पथरी का पेशेंट जो होता है वो दिखा के आता है हमको। पथरी का पेशेंट जो होता है अक्सर, या तो ये इस जगह जो जहां पे उनकी हथेली है वो किडनी की जगह है। नेक्स्ट प्लीज, स्लाइड नेक्स्ट दिखाइए। ये किडनी स्टोन जब आते हैं तो वहां पे दर्द होता है, और पेशेंट अक्सर ऐसे दिखाते हैं, ये उनका ऑर्डर होता है, ऐसे करके दिखाते हैं पीछे से आगे, तो क्लियर कट दिखाई देता है, पेन यहां से आ रही है और सीधे जा रही है। सो दिस इज किडनी स्टोन। होम्योपैथी वर्क्स वंडरफुली वेल इन कंप्लीटली नॉट वेरी लार्ज। मेरा सबसे बड़ा जो पथरी निकली है वो 16 mm की निकली है, बाकी 7 8 9 की तो बहुत सारी निकली। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आज तो ये बहुत जल्दी लोगों में पैदा होता है, पहले तो खाली बड़ी उम्र में होता था, आजकल मिडिल एज में लोगों को होने लग गए हैं, क्योंकि आज रोड सब सीमेंट के हो गए हैं, कंक्रीट के हो गए हैं। पहले रोड डांबर के अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब जो है बड़े कड़क रोड हो गए हैं,
चलने के टाइम पे ऊपर का शरीर का वजन और नीचे से जमीन का धक्का, तो ये गैप बहुत कम होता है जॉइंट के बीच का और लोगों को तकलीफ ज्यादा होने लगती है। लेकिन इसके लिए दवा कितने दिन ले सकते हैं आप, पेन किलर कितने दिन ले सकते हैं, उसके अलग साइड इफेक्ट हमको सहन करने पड़ते हैं। लेकिन होम्योपैथी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ऑफकोर्स इट के नॉट चेंज द जॉइंट, लेकिन रिलीफ अच्छी देती है कि पीपल आर एबल टू मूव बेटर। विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, व्हाइट पैचेस, दिस इज द थिंग जिसमें कि हमने देखा स्किन डॉक्टर भी 8 8 साल लग जाते हैं, 10 10 साल लग जाते हैं। होम्योपैथी में इसके रिजल्ट में आज फोटो नहीं है इसमें, वरना पूरा टोटल गए हुए फोटो में कभी दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। क्रोनिक कोल्ड एंड साइनोसाइटिस, इसके लिए बार बार सर्दी होना, रिकरेंट सर्दी होना, साइनस दुखना, सिवा एंटीबायोटिक के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन होम्योपैथी इसको क्लियर करती है और लास्टिंग रिजल्ट्स देती है इसमें। नेक्स्ट प्लीज, कुछ केसेस बताऊंगा मैं आगे। और अस्थमा के लिए जो मैंने पहले बताया, बहुत सारे अभी भी एक केस है मेरे और केसेस के अंदर आएगा अभी टेस्टिमोनियल के उसमें, कि उनको बिना उसके होता नहीं था, पंप लिए बगैर ठीक नहीं होता था। अब बोलती है आजकल 1 महीना मैंने, 1 साल मैंने पिछले पंप ही नहीं लिया, एंड शी इज बेटर विदाउट पंप, दवाई लेने भी नहीं आई 1 साल। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमारी होती है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक क्यों होते हैं, वही ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर जैसी बीमारियां। लेट मी टेल यू, जब हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते थे तब सेमिनार हुआ करते थे, वहां अक्सर टाटा हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आते थे, वो कहते थे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मोटापा बहुत डेंजरस है, रिस्क फैक्टर है। लेकिन आज जब डॉक्टर आते हैं केईएम से, सॉरी टाटा हॉस्पिटल से, तो वो कहते हैं ओबेसिटी, ज्यादा मोटापा जो है वो किसी भी तरह के कैंसर के लिए डेंजरस। सो लाइफस्टाइल डिजीज, डिप्रेशन। ओके, अब मैं कुछ मेरे केसेस के बारे में बता देता हूं, रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं। देखो ये केस है मिसेज वैजंती, वो मेरे पास बहुत साल पहले आई थी। किसी पेशेंट ने देखा उनको ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठी रहती, सहेलियां ये डिप्रेस बैठी रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। तो एक पेशेंट हमारे हमारे यहाँ की एरिया की पेशेंट थी, उसने बोला क्या बात है वैजयंती, क्यों डिस्टर्ब रहती है, बताओ कुछ हो सकेगा तो हम लोग हेल्प कर सकेंगे तो करेंगे। तो उसने कुछ स्टोरी बताई, वो बोली मेरी अभी तो शादी हुई है 2 3 साल पहले, देखिए मेरा हाथ इतना, एक हाथ से मैं पानी नहीं उठा सकती, एक गिलास पानी नहीं उठा सकती, बम्बई के सबसे बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्होंने कहा है कि यदि ऑपरेशन नहीं करोगी तो पैरालिसिस हो जाएगी हाथ में, और यदि ऑपरेशन करोगी तो भी पैरालिसिस हो सकती है, और तीसरा उन्होंने कहा यदि आप प्रेगनेंसी लेंगी तो 100% पैरालिसिस हो जाएगी, क्योंकि जब ये इसके ऊपर जोर पड़ेगा रीढ़ की हड्डी पे तो पैरालिसिस हो जाएगी। अब बताइए उनकी हालत क्या होगी, शी वॉज डिप्रेशन, शी वॉज इन डिप्रेशन, उन मन में विचार आते थे कि अभी नाउ व्हाई आई शुड लिव, मैं क्यों जिंदी रहूं, मैं मेरे हस्बैंड की जिंदगी खराब कर दी है, ना मैं उसको बच्चा दे सकती, ना काम कर सकती, और डिप्रेशन में रहती हूं। तब वो पेशेंट ने बताया कि एक काम कर, तू हमारे डॉक्टर के पास है। मेरे पास आई, उनको ट्रीटमेंट दिया मैंने, और शी वॉज ए एग्जीक्यूटिव इन ए बिग कंपनी, ट्रीटमेंट दिया उनको, एंड लेट मी टेल यू आज उनको 34 साल का बेटा है। और बोलती है, फोन आया था बीच में, बहुत दिन के बाद फोन आया था, बोली डॉक्टर मैं बाल्टी बाल्टी पानी उठाती हूँ, नो ऑपरेशन, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के लिए जरा तालियां बजा दीजिए दोस्तों, इट्स फॉर होम्योपैथी,
है ना, इट इज नॉट माई जॉब, इट इज होम्योपैथिक जॉब। थैंक यू, वंडरफुल। तो अभी नेक्स्ट केस देखते हैं, सीताराम मोरे, ये एक पेशेंट रिफर किए थे किसी डॉक्टर ने, इनको भी गर्दन में तकलीफ थी बहुत, दोनों हाथों में झुनझुनी आती थी, इतने परेशान, झुर्री चेहरे के ऊपर, परेशानी में परेशान काफी रहते थे। तो कंसल्टेशन किया मैंने डिटेल में, दवाइयां दी, दवा लेके गए। एक बार वो आए मेरे पास, एक साल के बाद आए, एक साल के बाद आए, मैंने उनको डांट लगाई। मैं बोला, सीताराम जी, या आपको इलाज नहीं करना है तो क्यों पैसा वेस्ट करते हो, कंसल्टेशन वगैरह क्यों करते हो? आप उस महीने में आए, उसके बाद फिर नहीं आए आज तक। बोले, डॉक्टर मेरा वो लेके गया, उसके बाद तो मेरी झुनझुनी चली गई, सब पूरा क्लियर हो गया, तो मैं गांव चला गया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, अब मैं सर्दी बुखार के लिए आया हूं। सी द रिजल्ट इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। मुझे ब्रीच कैंडी के, वहां के हमारे एक डायरेक्टर है कंपनी के, बड़ी कंपनी के, स्टील कंपनी के, वो बोले, डॉक्टर आई नो ज्योमेट्रिकली, उन्होंने मुझे समझाया साइंटिफिक, ज्योमेट्रिकली दो हड्डी के बीच में नस फंस गई है, तो आपकी होम्योपैथी क्या करी? मैंने कहा, सर ट्रिग्नोमेट्रिकली होम्योपैथिक दवाई, वहां जो प्रेशर आता है नस के ऊपर और वहां जो सूजन आ जाती है उसकी वजह से पेन होती है, उसको कम कर देती है, प्रेशर कम हो जाता है और नर्व रीजनरेट होती है और रिजल्ट आ जाता है, दर्द कम हो जाता है। परसों उनकी वाइफ का फोन आया था कि डॉक्टर मेरी वाइफ का घुटना, वो दवाई पहले तो नहीं लगा मुझे, लेकिन अब दवाई के बाद में उसका, शी इज वेरी कंफर्टेबल, चलती है, खूब घूमती है सब जगह। तो दिस इज होम्योपैथी। लोग सोचते हैं कैसे हो सकता है, रीजन जैसे डीजनरेशन होता है एज के हिसाब से, होम्योपैथी कैन रीजनरेट लॉट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट प्लीज। इसोफेजियल स्ट्रिक्चर, एक पेशेंट थे, इनके अन्न नली सिकुड़ी हुई थी, आप देख रहे होंगे फोटो में दिखाई दे रही है, वो आधी रोटी भी नहीं खा सकते, आधी रोटी मींड के थोड़ा थोड़ा खाया, आधी भी नहीं, 1/4 छोड़ देते थे, और ऐसे हो गए थे पतले। उनके घर वालों ने भी सोच लिया था, अभी दिखा लेते हैं डॉक्टर शर्मा को, बाकी क्या, अभी तो ये जा ही रहे हैं, अभी उनको लगा इनको कुछ एड्स वगैरह हो गया होगा इसलिए इतने पतले हो गए, अभी चले जाएंगे कभी भी, सब तैयारी में थे चले जाएंगे। और मेरे पास आए हो तो सबसे पहले तो मैंने उनको, सी पहले तो पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है सर, फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस पेशेंट का, जो डॉक्टर पेशेंट कोलेबोरेशन जो बताया मैंने, दैट इज दैट प्लेज अ ग्रेट रोल। आप कितनी भी बढ़िया बड़ी दवा दे देंगे, दवाई खाएगा नहीं तो पेशेंट को ट्रस्ट नहीं होगी तो खाएगा भी नहीं, और जहां ट्रस्ट पैदा होती है वहां पे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट इज ए मल्टी फैक्टोरियल, कई चीजें काम आती हैं रिजल्ट में, क्योर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका मन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, हंसना नहीं, लेकिन मैं कोई बाबा बाबा नहीं हूं, लेकिन पामिस्ट्री जरूर मैं बहुत पहले से, मेडिकल कॉलेज में जाने के पहले से देखता हूँ। जो इनफर्टिलिटी के कपल्स आते हैं उनका हाथ देख के मैं उसमें देख लेता हूँ कि इनके इसमें चांसेस कितने हैं बच्चे के, और जब मुझे दिखता है उसमें, पहले तो मैं उनका पास्ट बता देता हूँ, वो एग्री कर जाते हैं पास्ट के बारे में, फिर मैं उनको जब फ्यूचर बताता हूँ तब उनको ट्रस्ट आता है, विश्वास होता है। और मैंने कितने केसेस देखे हैं, हमारे सेंट्रल कमेटी जो होम्योपैथी की है, उनके डायरेक्टर दिल्ली से आए थे हमारे एमडी एग्जाम के टाइम, उन्होंने बोला, डॉक्टर शर्मा आपका आपका सब्जेक्ट क्या है थीसिस का? मैंने कहा, सर मेरा सब्जेक्ट है रोल ऑफ काउंसलिंग इन रिवाइटलाइजिंग द वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स को रिवाइटलाइज करने के लिए रोल ऑफ काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोले, कैसे डॉक्टर, दवाई काम नहीं करती? मतलब मेडिसिन फॉलो? तो समझा नहीं। मैं बोला, देखिए पेशेंट मेरे पास उस दिन आई और मैं 3 रात सोई नहीं थी, तो बोली, डॉक्टर मेरी नींद बिल्कुल नहीं आ रही, तो मैंने सुना उनको ध्यान से,
दवाई बनाई, दवा दी, और बोले डॉक्टर नींद आ जाएगी ना, मैं बोला जाओ, एक मार दिया पीठ के ऊपर थप्पड़, बोला जाओ ठीक सो जाएगी। दूसरे दिन आई बोली डॉक्टर आज मैं पहली बार 3 दिन में बहुत अच्छी सोई, मेरा दवाई खत्म हो गई। मैं दवाई तो सर आपकी टेबल पे ही कहीं रह गई है, दिस इज अ रोल ऑफ काउंसलिंग। भरत जी, डॉक्टर भरत, डू यू एग्री सर? डॉक्टर भरत, हीना जी, डू यू एग्री? यस सर, या यस सर, यस सर, सो द कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन बिटवीन डॉक्टर पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट प्लीज। ये डॉक्टर बनकर, हरिदास बनकर, ये मेरे ऊपर थर्ड सेकंड फ्लोर पे हॉस्पिटल है, उनको अपेंडिक्स के लिए अपेंडिसाइट एक्यूट अपेंडिसाइटिस थी, और उनको चेक किया था, बहुत पेन था। डॉक्टर ने कल सेकेंड डे सुबह 8 बजे का टाइम दे दिया कि कल सुबह 8 बजे आपका ऑपरेशन है। अभी रात को 8 बजे फोन आया प्रीवियस नाइट कि डॉक्टर ऐसे ऐसे मेरा ऑपरेशन है कल सर। बोला वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बोले सर मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना है। बोले क्या करने का? बोला आप दवाई दीजिए ना। मैं बोला अभी दूसरे डॉक्टर का पेशेंट, मैं बीच में दवा कैसे दे सकता हूँ, मैं तो आ भी नहीं सकता हॉस्पिटल में देखने, वो भी मेरा दोस्त है। बोले नहीं सर अब आप दवा दीजिए, मैं अपनी रिस्क पे लूंगा। मैं बोला अभी मैसेज को भेज देना, मैं देता हूँ, लेकिन रिस्क खाली सुबह 8 बजे तक ही लेनी है। इनको दवा दी, मैंने बोला 15 15 मिनट 3 डोज ले लो। उन्होंने 3 डोज ले ली, रात में 1 डोज और ली, और सुबह डॉक्टर आए। गुड मॉर्निंग बनकर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर बनकर। बोले गुड मॉर्निंग सर, सो रेडी, ऑल रेडी। बोले वो हंसने लग गए, बोले चलो। चेक किया उन्होंने, गेट रेडी सिस्टर, तैयारी करो। डॉक्टर बनकर वो चेक करने लगे, वो दबा रहे हैं दबा रहे हैं अपेंडिक्स की एरिया में। बोले कल यही तकलीफ थी ना? बोले हाँ सर। अरे बोले कल तो उंगली लगाए तो तुम उछलते थे, अभी दबा दबा के देख रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ऑपरेशन कैंसिल किया, मैंने कोई जरूरत नहीं ऑपरेशन की। वो डॉक्टर बनकर आज 24 25 साल हो गए, दोबारा उसकी तकलीफ नहीं हुई। अपेंडिक्स के मेरे पास कम से 15 16 केसेस हैं जो किए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता। मैं रिस्क तब तक ही लेता हूं जब डॉक्टर ने बुलाया तुमको, तब तक ही रिस्क लेता हूं। और पहले मैं चेक कर लेता हूं, वरना डॉक्टर लोग क्या कहते हैं बहुत सारे लोग, कि अपेंडिक्स होगा ही नहीं, सीधी सी बात है ना। तो मैं सोनोग्राफी निकाल लेता हूं, सब टेस्ट कर लेता हूं, उसके बाद सर्जन के पास भी भेज देता हूं, उनका एग्जामिनेशन करा लेता हूं, बाद में ट्रीटमेंट देता हूं। सो एक्यूट में भी होम्योपैथी खाली पुरानी बीमारियों में काम करती है दोस्तों, इससे ज्यादा एक्यूट क्या हो सकता है, इजंट इट? ओके नेक्स्ट प्लीज। दिस ऑल्सो एक फैंटास्टिक केस था, मिस्टर लड्डू मियां शेख। इनकी वाइफ को मैंने बहुत पटाया, पहले मैं जनरल प्रैक्टिस किया करता था। मैं बोला मैडम आपके तकलीफ के लिए होम्योपैथी दवा ज्यादा अच्छी रहेगी। बोले नहीं डॉक्टर, कैप्सूल कैप्सूल गोली खाऊंगी मैं, सुनती नहीं थी। बोले ठीक ओके। उनके पति को लेके आई एक बार, और एक दो दो ढाई इंच वो रेक्टम बाहर निकली हुई थी एनस के, वहां से रेक्टम जो है प्रोलेप्स हो जाती है। अब वो तो आए थे कि डॉक्टर चिट्ठी देंगे, अब जाके ऑपरेशन कराना है हमको। तो वन सेकेंड, एक मिनट जरा थोड़ा। सॉरी जरा थोड़ा सा ये, या तो वेट, जरा सुनीता को थोड़ा पीछे रखिए। तो लड्डू मियाँ तो उनको वो ऑपरेशन के चिट्ठी लिखाने के लिए आए थे असल, मीटिंग बंद करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनको क्या किया,
मैंने उनसे मैंने दवा दे दी, होम्योपैथिक दवाई। मैं बोला जाइए, नहीं बोले देखा। बस, बोला हाँ बस जाइए। और 3 दिन के बाद आए, पूरी की पूरी ये रेक्टम अंदर चली गई अपने आप, और आज तक कभी बाहर दोबारा नहीं आई। तब से उनकी वाइफ पक्की होम्योपैथिक पेशेंट बन गई। नेक्स्ट प्लीज, बस हम खत्म करने जा रहे हैं। सुनीता, रिकरेंट सर्दी की बच्ची थी। एक बार मैं उनके वहां से जा रहा था किसी पेशेंट को देखने, तो उनके फादर ने बोला, डॉक्टर पहचानते हो इसको? मैं बोला, मैं तो बहुत दिन से नहीं देखा इसको, पर ये वही बच्ची है जिसको आप बचपन में बार बार सर्दी होती थी, दवा देते थे, वो दवा दिए तब से आज 7 साल हो गए, सर्दी नहीं होती। होम्योपैथी, एलर्जी, एलर्जी में इतना काम कर। नेक्स्ट प्लीज। वो मैंने अस्थमा का केस बताया, जो 1 महीने 1 साल से दवा नहीं ली उन्होंने, वो यही है, रुखसाना शेख जी, अस्थमा के लिए मैंने केस बताया आपको। एक बच्चा मुझे डॉक्टर ने भेजा था, चेहरे के ऊपर 45 वॉट्स थे, गोरा चिट्टा बच्चा, 45 वॉट्स चेहरे के ऊपर, काला काला सब दिखाई देता है, ऐसे इतना काला दिखाई देता था। तो आए थे दवाई, मैंने केस लिया, 2 महीना इलाज किया, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने फिर क्या किया, उनको मैंने मैंने कहा कि मुझे केस दोबारा लेनी पड़ेगी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बोले, डॉक्टर कम तो दिखाई दे रहा है। मैं बोला, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो केस दोबारा लिया मैंने, और जब मैं डिटेल में केस हिस्ट्री ली वापस, तब इसको खाने में क्या पसंद है ये पूछा, तो बोले, डॉक्टर इसको एक रूम में एप्पल डाल दो और 365 दिन खाता रहेगा, इतना पसंद है। और मैंने देखा, रेफर किया, एक ही दवा थी उसमें, एंटेमटाट, मैंने वो दी, 20 दिन में सारे वार्ड्स गायब। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा तो अब क्वेश्चंस कुछ होंगे तो आप बताइए। तो मैं यहाँ पर कुछ बात करना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपके बारे में। क्वेश्चन जी सर, है जी सर, तो गाइस, डिड यू गेट सम वैल्यू, कुछ वैल्यू मिली आपको आज के सेशन से, यस और नो? वैल्यू मिली या नहीं मिली, यस और नो? यस सर। हेलो तो मैं बताना चाहता हेलो हूँ। यस बोलिए बोलिए, जी, अशोक वर्मा जी बोलिए। वैल्यू हाँ जी, मिली? हेलो, यस यस यस, ओके फाइन। तो हम क्वेश्चन आंसर क्यू एन ए राउंड चालू करेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, हमारा सेशन चलता है मॉर्निंग में, सुबह 5 बजे चला करता था, 7 बजे चलता था, फिर हम 5 बजे लेके गए। तो मुझे एलर्जी है सर्दी के लिए, और ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है, मेरे फादर को थी और फैमिली में मेरे दादा को थी, मेरे चाचा जी को है, तो चली आ रही है। तो मैं सेशन में लिया करता था, मेरी आवाज चेंज होती थी। डॉक्टर साहब ने कॉल किया कि सर आपको सर्दी है, एलर्जी है। मैंने किसी को बताया नहीं, ये आवाज से पहचान लेते थे, बीच में मैं छींकता था कुछ, इस तरह से करता था। तो बोले इसका है इलाज, बोले एलर्जी तो है। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे मिलाया, हमारा जब कोलेब्रेशन हुआ, हम गए इनके पास 1-to-1 के लिए, तो डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसिन दिया, उसको बताया कि आप ये खाइए ठीक हो जाएगा। पहली बार ली मैंने मेडिसिन को फॉलो नहीं किया, सेकेंड टाइम फिर गए तो उन्होंने कुछ लिक्विड ड्रॉप दिया। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मॉर्निंग में सेशन होते हैं, छींके मेरी बंद हो गई है, ये रखा है सैंपल, तो कोई हवा में बात नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसिन दी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं, डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी है, धूल मट्टी से एलर्जी है, कपड़े रखते हैं तो निकालते हैं उससे एलर्जी होती है। और तो उन्होंने कहा धूल मट्टी तो नहीं निकालते थे ना हिंदुस्तान से हम लोग, ये तो रहेगी, लेकिन आपकी जो इम्यूनिटी जो है उसको अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूं, लड़ने की क्षमता बढ़ा दूं, तो चीज काम नहीं करे। बोले पॉसिबल है, और ये चीज पॉसिबल है, ये मैंने खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, आपके सामने बैठा हूं मैं, राइट? तो कितने लोग चाहेंगे डॉक्टर साहब की हेल्प लेना, कि हमारे को अच्छे डॉक्टर मिलते नहीं है, और डॉक्टर साहब का इतना तजुर्बा, इतना तजुर्बा, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी सारी रिसर्च की है, और ऐसे लेजेंड्स अगर हमें मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, वारे न्यारे हो जाए। कितने लोग चाहेंगे डॉक्टर साहब की हेल्प लेना, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग चाहेंगे डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना, 1-to-1 कंसल्ट करना, कितने लोग चाहेंगे, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, राइट? सो उसके बाद हम लोग आंसर भी लेंगे आप लोगों के जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। सो डॉक्टर साहब का जो कंसल्टिंग है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है पूरा, जो चीजें हम देखेंगे, तो 1-to-1 कंसल्टिंग जो है उसका चार्जेस है 2,000 रुपीज, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस, इतने तजुर्बेकार डॉक्टर मिलते नहीं है। एक और सीक्रेट बताना चाहता हूँ, डॉक्टर बत्रा का नाम कितने लोगों ने सुना है, डॉक्टर बत्रा?
डॉक्टर बत्रा एंड डॉक्टर सुशील शर्मा जी एक ही जगह से पढ़े हुए हैं और एक ही साथ के बैचमेट हैं ये आगे पीछे, तो ये उस बैकग्राउंड से आते हैं। और डॉक्टर बत्रा जो थे वो फ्रेंचाइजी मॉडल में चले गए और आज तो उनके फ्रेंचाइजी मॉडल चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सर साहब जो है खुद आज ही कंसल्ट अभी कंसल्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हम समझ सकते हैं सारी चीजें। तो कंसल्टिंग का जो प्राइस है 2000 रुपीज है वन टू वन, कितने लोग कंसल्टिंग करना चाहेंगे टाइप मी द चैट बॉक्स। तो जो लोग सफल के परिवार के मेंबर है उन लोगों के लिए चार्ज नहीं रहेगा तो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन कितने लोग सच में सीरियस अपनी हेल्थ के लिए, टाइप मी द चैट बॉक्स, अगर 2000 रहेगा तो भी हम तैयार है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो 2000 पे नहीं करना है इसका कंसल्टिंग प्राइस, अगर हम 1000 रखें तो भी 1000 भी हमारी हेल्थ से बढ़कर नहीं है, राइट। हम अपनी गाड़ी को भी अगर सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं उसका भी अगर हम देखेंगे तो अपनी गाड़ी को अगर हम सर्विसिंग नहीं करेंगे तो खराब हो जाती है, राइट। और मशीन को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन भगवान ने जो मशीन बना के दिया है हमारे को अंदर, जो उसके पुर्जे ऑर्गन जो है ये खराब हो गए तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो उसकी केयर करना बहुत जरूरी है, उसके लिए 1000 रुपये भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो अभी मैं आपके सामने अनबिलीवेबल ऑफर देने जा रहा हूँ, पहले 5 लोगों को, कितने लोग तैयार है डॉक्टर साहब का कंसल्टिंग लेने के लिए, टाइप मी द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। तो मैं उनको बता रहा हूँ अभी, दीपाली जी लिंक शेयर करेंगे और आपको पे करना है जस्ट 500 रुपीज, और 500 रुपीज पे करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो डन करके टाइप करना, फिर आपके साथ डॉक्टर साहब वन टू वन कंसल्टिंग देंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, राइट। सो मैं चाहूंगा अब किसी का भी कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं अपना, या फिर अनम्यूट करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, और इस बीच में आप लोग रजिस्टर करिए क्योंकि डॉक्टर साहब ज्यादा लोगों से कंसल्टिंग कर नहीं पाएंगे, तो जो लोग पे कर रहे हैं उनके साथ में कंसल्टिंग होगा, 500 पे करना है आपको, यस। तो किसका सवाल है, कौन पूछना चाहता है यहाँ पर? यस, तो व्हाइट स्पॉट है दोनों हाथों में, उसके लिए कुछ किया जा सकता है डॉक्टर साहब? यस सर, थोड़ा टाइम लगता है इसको, क्योंकि तो जैसे धर्म बदलना होता है ऐसे उसका कलर बदलना होता है, इट टेक्स लिटिल टाइम खाली। डॉक्टर साहब के एग्जाम्पल बहुत बढ़िया रहते हैं, हम उसी चीज के। यस, अच्छा ब्रेन स्ट्रोक के लिए कुछ ट्रीटमेंट है क्या डॉक्टर साहब? अकबर साहब पूछ रहे हैं, इसके लिए ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक स्ट्रोक, यस। किस लेवल पर है, क्या है, वो जानना पड़ेगा सर। ओहो, डॉक्टर गौरव कुमार साहब ने पेमेंट कर दिया है, गौरव जी ने, तो थैंक यू गौरव हमारे जी। मिलियनर माइंड के गौरव जी ने पेमेंट कर दिया है, तो थैंक यू गौरव जी, वेरी नाइस, यस। और गिरिधर जी शुगर के लिए पूछ रहे हैं, तो शुगर के लिए कुछ हो सकता है इसमें हमारे होम्योपैथिक में? यस, कोलैबोरेट करना पड़ता है, उसमें सारी चीजें आती है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज ना। राइट, सो तो मैं और बोलना अपार्ट चाहूंगा फ्रॉम जो होम्योपैथी, साल से हूं मैं और एलोपैथ दवाई ले रहा हूं, लेकिन वो टेम्प्रोरी तो ठीक हो जाता है, लेकिन छोड़ देने फिर वापस आ जाता है। हम फौरन बंद नहीं करते उसको, पहले हम अपनी चालू कर देते हैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद हम उसको ये करते हैं। तो ये क्या क्योर हो सकता है क्या डायबिटिक? देखिए, कुछ चीज क्योर नहीं हुई तो भी लीस्ट साइड इफेक्ट की दवाइयों से भी आप थोड़ी सी लेते हैं, कुछ उससे आराम रहे तो क्या खराब। इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज सर, अपने को बहुत बार हर चीज कंट्रोल करनी पड़ती है। जब अपने को धूप से एलर्जी होती है तो हमें धूप में छतरी टोपी लगाना चाहिए ना, इसी तरह कुछ चीजें पालनी पड़ती है। थैंक धन्यवाद सर, यू। धन्यवाद। तो पेमेंट कर लीजिए आप लोग, यस हाँ बोलिए एक सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से। जी शुगर, थायराइड वगैरह ये तो है ही है, साइड में साइड बाय साइड जी यानी गोली चल रही है, जी लेकिन अभी आर ए फैक्टर भी पॉजिटिव आया। मैडम, आर ए फैक्टर नेगेटिव होते देखा है मैंने मेरे पेशेंट्स सच्ची में। यस बहुत तकलीफ होती है, वो पूरे जॉइंट पेन हो जाता है, राइट राइट, तो अभी तो एलोपैथी दवा चालू है, तो अभी तो पेन वगैरह नहीं है और ठंडी फिलहाल भी नहीं है इसलिए, लेकिन जी जब चालू हुआ था अचानक तो इतना कि मुझे यानी सीढ़ी चढ़ना उतरना तो आप बहुत एक काम तकलीफ कीजिए, वन टू वन कंसल्टेशन कर लीजिए, है। आपकी ओके जन्म पत्री बन जाती है तो उसके बाद कभी भी उसको एडजस्ट करना अच्छा पड़ता है ना बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपकी थैंक पूरी यू सर, हिस्ट्री आ जाती है ना, देन वी नो उसको एडजस्ट कैसे करना। बिल्कुल सर, ठीक है, मैं आपसे अभी कर लेती हूँ। थैंक यू। जरूर। डॉक्टर आशीष जी का पेमेंट आ चुका है, यस थैंक यू ओके। आशीष जी, किडनी थैंक यू सर। प्रॉब्लम गौतम चंद से से व्हाइट स्पॉट के लिए कोई मेडिसिन है क्या?
तो व्हाइट स्पॉट के लिए डॉक्टर साहब ने बताया मेडिसिन है इसके लिए, डॉक्टर साहब मेडिसिन है इसके लिए राइट। लेकिन टाइम लगता है सर इसको, बहुत जल्दबाजी है और वो नहीं चलती है इसमें। लेकिन आई विल शो यू, वन टू वन आएंगे तो मैं आपको केसेस दिखाऊंगा उसके मेरे पास से। मैं बोलना चाहूंगा अगर आप सच में इतने सीरियस हो हेल्थ के लिए, कुछ सवाल ही करते रहोगे तो, अगर सच में सीरियस हो तो 500 पे करके डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट वन टू वन बैठिए, और डॉक्टर साहब मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ डॉक्टर साहब को 5-10 मिनट नहीं बैठेंगे, डॉक्टर साहब एटलीस्ट 30 to 45 मिनट आपके साथ बैठेंगे, पूरा केस स्टडी लेंगे और आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें, उसी में आपकी आधी बीमारी ठीक हो मेरा जाएगी मेरा डॉक्टर सेटिस्फेक्शन होने तक करता हूँ सर। साहब। ओके अमरप्रीत सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। किसी ने बोलिए ना, किडनी स्टोन के बारे में बात की थी शायद, अमरप्रीत थे या कोई पता नहीं मुझे। यस किडनी अमरप्रीत जी प्रॉब्लम, पूछना चाह, हाँ नमस्ते जी, किडनी किडनी बोलिए किडनी बोलिए सर। प्रॉब्लम है, यूरिन नहीं हो रहा। हाँ क्रिएटिनिन कितना है आपका? क्रिएटिनिन तो नॉर्मल है, 4-3-4-4 चार तीन चार नॉर्मल, चार तो नॉर्मल नहीं होता ना, थोड़ा हाँ, ऊपर वन नीचे। पॉइंट 1.2 रहना चाहिए। नहीं जी, और आपको स्टोन्स वगैरह की तकलीफ हुई थी क्या? नहीं और किडनी, ये इसके सिस्ट वगैरह हैं? ऐसा कुछ नहीं, और डायलिसिस में चल रहा है अभी, वो सिस्टर का है। जी, एक बार रिपोर्ट देखनी पड़ेगी सर उनकी, हाँ रिपोर्ट देखनी तो पड़ेगी। और एक बार अधूरा कंसल्टेशन तो करा लीजिए, क्या उसमें पड़ बहुत सारी गई। चीजें समझती है। देखिए, होम्योपैथी में बीमारी के नाम से इलाज नहीं करते हम वो पर्सन को समझ के दवाई देते हैं, तो उसका ओवरऑल पूरा ट्रीटमेंट जो है, बहुत सारी चीजें जो नहीं बताता पेशेंट वो भी ठीक हो जाता। बिकॉज तो वी ट्रीट यू ऐसा एज अ कुछ पर्सन। आपने सॉल्व किया है क्या किडनी से संबंधित, हाँ जी किडनी से रिलेटेड आपने वो किया है क्या, इसमें पथरी सर जी, का बताया। डॉक्टर को पूछो कि काय का केस आया तो 50 साल में कितने कितने आए, किस तरह के 50ों तरह के केस आते हैं सर हमारे पास। जहाँ कहीं हम नहीं गए ट्रीटमेंट नहीं, ये पूरा क्योरेबल नहीं है, तो उसके लिए बाकी रास्ता बताते हैं ना। नहीं जी, तो डायलिसिस चल रहा, डायलिसिस तो कुछ ऑप्शन है क्या उसमें कोई फिलहाल चलने दीजिए, बिना जी सडनली बंद मत कीजिए अपने आप। जी बाद में हो सके तो हाँ एक कर लीजिए, कोई बहुत ज्यादा वो तो नहीं है, 500। नहीं जी, वो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। तब हमको समझ में आएगा सर। जी आप जी खाली किडनी देख रहे हैं, हम ठीक किडनी थोड़ी देख रहे हैं, हम तो पर्सन को देखते हैं, पूरे पर्सन को। है मिस्टर जी ओके सर, जी, थैंक यू। ओके थैंक तो डॉक्टर साहब का एड्रेस जो है थाना में बैठते हैं, डॉक्टर साहब कलवा में बैठते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए कनेक्ट कैसे होना है, वहां भी जाकर आपको 2000 रुपीज कंसल्टिंग देना पड़ेगा, यहाँ पर आप 500 पे करके कंसल्टिंग करिए, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं आप तो डॉक्टर साहब के साथ पर्सनली जूम पे ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा जब डॉक्टर साहब के साथ कनेक्ट होंगे तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक का एड्रेस, इवन घर का एड्रेस सब मिल जाएगा आपको, तो डॉक्टर साहब से पर्सनली मिलेंगे आप, डेफिनेट मिल भी सकते हैं अगर आप मिलना चाहेंगे तो राइट। तो मैं चाहूंगा फटाफट पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करिए और बी पार्ट ऑफ डॉक्टर साहब की कम्युनिटी का पार्ट बनिए, और 50 साल से ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब को इस इंडस्ट्री में काम करते हो, 50 ईयर से ज्यादा इसको एक्सपीरियंस हो गया डॉक्टर साहब को, तो आप समझ सकते हैं कितना तजुर्बा है राइट, कितने पेशेंट्स को उन्होंने हील किया हुआ है, तो कितना एक्सपीरियंस है उसके बाद, तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप डॉक्टरी की डिग्री भी लेकर आ जाएंगे, हाईली क्वालिफाइड भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप हाथ साफ नहीं करेंगे पेशेंट में, तो आपको पता कैसे चलेगा ना, जैसे मैकेनिक होता है ना गाड़ी का, जितनी गाड़ी का गाड़ी हाथ से जाएगी उसके, तो उसके वो स्मूथनेस आती है, सेम उसी तरह डॉक्टर साहब ने 50 साल में लाखों हजारों लाखों पेशेंट के साथ उन्होंने काम किया है, अलग अलग केसेस देखे हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस का बेनिफिट लीजिए और सर, कंसल्ट करिए अपनी हेल्थ के आगरा लिए। जाने के पहले आपकी तकलीफ क्या थी सर, बताइए ना। यस आगरा जाने के पहले तो मैं क्लिनिक में गया था, वहां पे छींक रहा था डॉक्टर साहब के सामने, मैं जमीन पे पैर रखता था ठंडी जमीन लगती थी छींक आती थी, एसी चलता था छींक आती है, मेरे सर पे एसी चालू है और मैं बैठा हूँ यहाँ पर। हाँ आपका डेंगू का सर? डेंगू का मैं बताना चाहता हूँ, मुझे डेंगू हुआ था और डॉक्टर्स वगैरह एलोपैथी का दवा चल रही थी मेरी, मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, मैंने बात की, मैंने कहा मेरा ये डेट का आगरा का टिकट है तो मुझे जाना जरूरी है, और शायद 4-5 दिन की बात पहले की बात है, तो डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है मैं दवा भेजता हूँ, मेडिसिन भेजता हूँ मैं आपके ऑफिस में, और आप कलेक्ट करवाइए, डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसिन भेजी वहां से, और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने टिकट भी कैंसिल नहीं किया, सेम डेट को मैं आगरा पहुंचा हूँ, मैं वही डेट को पहुंचा हूँ, 3-4 दिन का गैप था ये, 3-4 दिन का, क्योंकि डेंगू में क्या होता है आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं, प्लेटलेट कम होते हैं, लगातार मेरे प्लेटलेट गिर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि 4 दिन बाद जाना है, तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है
आप बस डेली नोट करते रहिए, डेली रिपोर्ट निकालिए, सलमान सर कल से पढ़ना शुरू हो जाएंगे और नेक्स्ट डे से पढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे धीरे, अब गए अब गए। और मेरे गांव जा रहे थे सर, तो मैंने वहां पे भी हवा बदलवा दी थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब का, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करिए। मनीष जी ने पेमेंट कर दिया, थैंक यू वेरी मच और वेरी नाइस। जो लोग अपनी हेल्थ के लिए सीरियस है, मैं यहाँ पर स्कैनर लगा रहा हूँ, यहाँ पर गूगल स्कैनर आपके सामने आ चुका है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप पे कर सकते हैं जिनको डिफिकल्टीज आ रही है, राइट। और यस, किसी का कोई सवाल है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, किसी सर का। मैंने भी पे कर दिया। यस थैंक यू मैम, धन्यवाद, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हेल्थ के लिए सीरियस होना पड़ेगा आप सबको, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, और थैंक यू डॉक्टर साहब मनीष के, जी, तो ग्रेट सर। डॉक्टर साहब की खासियत ये है, जो हम बताते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखेंगे आप, ये तो सीखेंगे सीखेंगे, ह्यूमन बिहेवियर आप सीखेंगे, इंसानों के साथ कैसे कनेक्ट होना है, किस तरह से डॉक्टर साहब बात करते हैं, तो आधी बीमारी तो वही ठीक हो जाती है, आप ही से बात करके आपकी पूरी केस स्टडी निकाल लेंगे, पूरी कुंडली निकाल लेंगे, क्योंकि हमें लगता है बीमारी इस वजह से है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण होते हैं, फैमिली हिस्ट्री से लेके बहुत सारी चीजें होती है, तो वो जब आप डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। डॉक्टर साहब कितना टाइम लगता है, 10 मिनट लगते हैं आपको इस पेशेंट के साथ में, या 5 मिनट में खत्म हो जाएगा कार्यक्रम? सी हमारी सी असिस्टेंट साक्षी जी उनको बोलती है आधा घंटे से पौना घंटा, घंटा भर, वो टाइम का बंधन नहीं है फिर, इसलिए मैं अपॉइंटमेंट देके टाइम देता हूँ। और जब मुझे सेटिस्फेक्शन होता है भी सब मिल गया, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन हो गया, सब बता दिया, तब जाके बंद होता है। मैं एक बता रहा हूँ लेकिन सबके लिए नहीं कर सकता हूँ। मेरा सबसे लंबा केस टेकिंग कितना हुआ है बताऊँ सर? यस पेशेंस, तो मेरी पेशेंस के लिए तालियां जरूर बजाना। सबसे लंबा केस मैंने एक लिया, उनको डॉक्टर ने बोला था कि एंजियोप्लास्टी कराना है, और वो बहुत ही डिस्टर्ब पर्सनालिटी, उनकी वाइफ मेरी पेशेंट थी, तो वाइफ बोली डॉक्टर के पास चलो, तो मेरे पास आए, कार्डियोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लिया, फिर मेरे पास आए। पहले दिन सर मुझे 4 घंटे लगे, दूसरे दिन मुझे 4 घंटे लगे, तीसरे दिन 3 घंटे, चौथे दिन 1.5 घंटे में काम हुआ जाके। इतना बड़ा कंसल्टेशन लाइफ में पहली बार किया मैंने। लेकिन वो पेशेंट विदाउट एंजियोप्लास्टी आज तक घूम रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो यहाँ पर दीपाली जी का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है, काइंडली शेयर योर पेमेंट एक्नॉलेजमेंट, तो यहाँ पर अपना एक्नॉलेजमेंट शेयर करना, ताकि दीपाली मैम आपका नंबर साक्षी मैम को पास कर सके और साक्षी मैम फिर आपका सर के साथ 1-to-1 रख सके। यस कुसुम मैडम, कुछ पूछना है आपको? दीप्ति मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ब्लूटूथ निकाल लीजिए अपना, डायरेक्ट वायर वगैरह सब निकालिए, डायरेक्ट बात करिए डिवाइस से, तो आवाज क्लियर आएगी। मैम कुसुम मैम, मैं कह रही हूँ आपसे मेरा तजर्बा दिखा रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास कॉन्टेक्ट नहीं, दीपाली के नंबर पे है, तो सुबह तक मालूम पड़ेगा। कुसुम मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल, मुझे मुझे नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? नहीं नहीं आ रही सर। अच्छा नहीं आ रही है, ओके ओके, आलम साहब ने पेमेंट कर दिया, वेरी गुड थैंक यू आलम साहब सर। नमस्कार, मैं सर, संजीव पाठक बोल रहा हूँ पाठक इंदौर जी ने हैंडल्स किया है सर। जी मैम, से। ओके, अभी कोई बोल रहे थे नमस्कार करके, आप बोलिए सर। संदीप सर नमस्कार, संदीप पाठक इंदौर से बोल रहा हूँ। हाँ पाठक जी सर बोलिए। बोलिए। संदीप जी थैंक सर मैंने पेमेंट कर दिया है और यू सर। मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, जी तो मिसेस के लिए कुछ बात करना, तो मैं आपसे पर्सनल फोन पे बात करूँगा। हम लोग कल कभी हेलो, करेंगे बात, अभी तो जरा अभी क्लिनिक में ही हूं मैं। हाँ अभी नहीं सर, आप मुझे टाइम दे दो, मैं मिसेस को बोल के बात करूंगा। ठीक है, मिसेज के लिए किया आपने? जी हाँ यस, हाँ, तो मैं बोलना तो चाहूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अपना नंबर दीपाली जी को शेयर कर दीजिए, एक्नॉलेजमेंट शेयर कर दीजिए, ताकि दीपाली जी साक्षी मैडम को दे सकें और वो आपका अपॉइंटमेंट रख सके, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है काफी सीनियर हमारे और बिजी रहते हैं, दोपहर में सोते हैं तो डिस्टर्ब भी ना होगा, तो 1-to-1 आप एक उनके टाइम के, अपने टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे और वहां पर आप आराम से बात कर सकेंगे उनके साथ में, पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा आपका साक्षी जी के थ्रू, राइट। सर आपके अकाउंट पे, आपके व्हाट्सएप पे मैंने अपना स्क्रीन शॉट दिया है पेमेंट वाला। यस यस, तो वेरी गुड, तो आपको बिल्कुल, और आप LIC में है ना आपका काम, तो यस, एल आई सी आप तो म्यूचुअल परिवार के फंड। मेंबर ही हैं आप तो, हाँ मैं मेंबर हूँ, मैं तो बिना बिल्कुल भाई बिल्कुल, यस बहन। सर, सही थैंक है, यू सर, परफेक्ट है सर। थैंक तो दीपाली मैम बिल्कुल आपको कनेक्ट कराएंगे, नंबर शेयर कर देंगे,
ओके, थैंक यू वेरी मच। यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, कुसुम मैडम की मेरी बात हुई थी, वो बोले बोली सलमा सर आपकी से बात हुई, तो आप बताओ तो मैं बताता हूँ। कुसुम बोलिए। मैडम पैर में काफी ज्यादा स्वेलिंग आ गई है और बता रहे थे बलून की तरह फूल गए थे, तो बेचारी चल नहीं पा रही है। अभी तो थोड़ा कम हुआ है स्वेलिंग 2 दिन से, लेकिन अब चलना मिलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सारी चीजें, तो ये सारी चीजों पे और अस्थमा का भी थोड़ा ब्रीथिंग का भी प्रॉब्लम हो रहा है उनको, चलने में थोड़ा दम लग रहा है, जी तो ये सब पे काम किया जा सकता है। राइट यस सर, राइट। तो कुसुम मैडम आप भी रजिस्ट्रेशन कर देना 500 पे करके, और डॉक्टर साहब का कंसल्टिंग लो, कंसल्टिंग का नंबर तो आपके पास है डॉक्टर साहब का, बिल्कुल है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। साक्षी मैम का नंबर है, मिल जाएगा दीपाली से, तो वो आप कंसल्ट करिए, और सर के लिए भी करिए कुसुम मैडम, सर के लिए भी करिए, क्योंकि मीठी गोलियां हैं, तीन 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 है चार, मुझे नहीं पता लग रहा, डॉक्टर साहब मुझे तो 3 गोलियां दी थी राइट, तो वो सर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है। ठीक है कुसुम मैडम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी। यस यस ओके। जी जब 48 साल पहले मैं आया था तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बोले साबूदाना गोली नहीं चाहिए, साबूदाना गोली नहीं चाहिए। तो बाद में अब बोलते हैं साबूदाना गोली चाहिए हमको। सो यहाँ पर हमने आरडीएक्स वर्जन लॉन्च किया था, हमने वर्जन अपना, जी और सर, मतलब इसको वर्जन 1 था हमारा, ये जी सर, प्रीमियम नहीं था, ये हमने फर्स्ट ट्राई टाइम दिया मैंने, यस फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा है जो लॉन्च किया, क्योंकि जी डॉक्टर साहब 1 2 क्लिनिक पे बैठ के लेते हैं, लेकिन अब डॉक्टर साहब का क्या रहा, मैं चाह रहा था कि ये घर बैठ के कर सके, ऑनलाइन कर सके, तो हमने ट्रायल करके देखा था, तो ये मॉडल अब हम देखेंगे डॉक्टर साहब की कंसल्टिंग के, लोगों को कैसा बेनिफिट मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि अच्छा ही मिलेगा, तो इसके थ्रू डॉक्टर साहब पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इस तरह से कंसल्टिंग को लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचना चाहिए। जी हम लोग ढूंढते हैं अच्छे डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर मिलते नहीं हमें, तो अब ये फॉर्मेट के थ्रू हम डॉक्टर साहब को पूरे इंडिया या इंडिया के बाहर लेके जा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं जैसा मुझे लगता है। राइट, तो यहाँ पर शेयरिंग लेंगे, बोलिए हेलो, बोलिए हेलो, बोलिए। यस बोलिए। मेरी काकी सास को डायबिटीज है हाँ, और उसकी कंसल्टिंग आप ऑफलाइन कर सकते हैं? ऑफ कहाँ रहती हैं आप? अहमदाबाद? हाँ तो लेकिन मैं तो थाना में रहता हूँ, ओके इसीलिए ऑनलाइन ना। ओके, वो ऑफलाइन ही सर। और ये 1-to-1 क्या है सर? 1 to 1 इस पे करते हैं ना मैडम, वो वीडियो पे करेंगे ना। देखिए अच्छा, तो सारी, वन टू देखिए सारे हमारे पास तो सूरत वगैरह के बहुत सारे पेशेंट, सूरत, पूना, गोवा, दुबई, देन यहाँ पे दिल्ली के है, राजस्थान में है, सारे पेशेंट जो है हमने तो हाथ भी नहीं मिला है किसी से, हाय करते हैं और बाकी रिपोर्ट है सारी फोन पे आ जाती हैं और वीडियो पे हम बात कर लेते हैं। अभी हम जो, मैं ऑस्ट्रेलिया था पिछले साल 3 महीना, तो हमने सारा ऑस्ट्रेलिया से वीडियो पे ही सबसे कनेक्ट किया था। तो अनु मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी सासू जी को क्या चैलेंज आ रहा है, क्या तकलीफ क्या है उनको? काकी मेरी काकी सास है, सास, जी, काकी सास को तकलीफ क्या है उनको? उसकी शुगर बहुत हाई है और आजकल वो कुछ भी बात करो ना तो वो रो ही देती है। हाँ, ओहो तो उनको राइट। तो जरूरत तो है। अभी आप चाहती है कि उनका शुगर ठीक होना चाहिए, और जो इतना इमोशनल होगी तो इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, आप यही चाहती है ना? ना, मैं शुगर ठीक नहीं होना चाहती, मैं बस इसका इमोशन, जो अभी जो हाँ इमोशन लेवल है ना उसका, हाई पर है ना, जी उसका राइट, सुनना। तो इमोशंस को कंट्रोल कर सके, इमोशनली स्ट्रांग हो सके, अब ये चाहती है राइट? हाँ, वही वही बिल्कुल बात बात बिल्कुल पे बस रोती ही रहती है। यस यस। वो तो तो पूरा आप क्या स्टडी करना, करते हैं। आप क्या करना डॉक्टर साहब को, जैसे भी आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया डॉक्टर साहब का, कंसल्टिंग लिया नहीं लिया अभी आपने 500 पे? वो मेरी काकी सास है तो वो मेरे से अलग रहती है, तो ऊपर रहती है तो हम ऊपर नीचे रहते हैं, तो मैं उस अपने देवर से पूछने ही ऊपर चली गई यस इसीलिए। यस, तो मैं बताता हूँ आपको, आप 500 पे करके रजिस्ट्रेशन कराइए आप उनके लिए, ठीक है, आपकी तरफ से पे करिए आप, ठीक है, और उनके साथ में क्या करना, अभी हमारे पास ऑप्शन है, जूम पे हम कनेक्ट हो सकते हैं, जूम नहीं तो व्हाट्सएप में भी ऑप्शन आ गया है कैमरा ऊपर नीचे करके। अब जी जैसे आप देख रहे हैं दो एक मैं दिख रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने हाँ, स्पॉटलाइट में, अब व्हाट्सएप में तो 2 ही लोग रहेंगे, अब हम डॉक्टर साहब का चेहरा देख पा रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, वही डॉक्टर साहब नहीं काफी, डॉक्टर साहब जब बातचीत करेंगे सारी चीजें करेंगे उसी में इन्फॉर्मेशन आएगी, उनकी जो असिस्टेंट है वो सब लिखती रहती है, केस स्टडी लिखती रहती है, तो वहीं पर डॉक्टर साहब बात करके आपको मेडिसिन जो है कोरियर से भेज देंगे आपको अहमदाबाद में, समझ रहे हैं हम, हाँ, तो आपको आने की जरूरत मैं नहीं। उसकी जो हाँ बहू है ना उसको दे रही हूँ, वो बात करती है आपसे। जी जी बताइए।
नमस्ते 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 नमस्ते, नमस्ते, क्या नाम है आपका? जयश्री ठक्कर, जय श्री ठक्कर, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। राइट, तो मैं ये कह रहा था आपकी जो उनको तकलीफ जो है मम्मी जी को, तो उसके लिए आप क्या करना, डॉक्टर साहब का कंसल्टिंग ले लीजिए 500 पे करके, और हाँ उसके बाद में उनको कनेक्ट कराइए। आप इनकी जो डॉक्टर साहब की जो असिस्टेंट है वो आपको हाँ कॉल करेगी, कॉल करके उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी, वहां पर आप हाँ लोग वन टू वन बात करिए और डॉक्टर साहब उस पर बात करके बताएंगे, ठीक है? अब आप बता रहे हैं शुगर वगैरह, मैं 2 दिन पहले इसके बारे में पढ़ रहा था, इमोशंस के बारे में, तो मेरे सामने एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, तो उसमें बताया था कि शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती है, वो तो हम बोलते हैं, डायबिटीज। उनका हाँ खाने का तो कुछ भी सुनिए, ऐसा नहीं है, हाँ वो स्वीट भी नहीं हाँ खाती, कुछ भी नहीं। राइट राइट, तो यहाँ पर बताते हैं शुगर खाने डायबिटीज नहीं, डायबिटीज होती है उसके बाद बोला जाता है शुगर मत खाओ कंट्रोल करने के लिए, और हाँ। ये सब जो डायबिटीज की होती है, डायबिटीज या जो भी बीमारी ज्यादा होती है, वो होती है हमारे इमोशन से, हम हाँ। पकड़ के छोड़ते नहीं है, हम स्ट्रेस और ये सब जो लेते हैं ना, जो आपने बताया वो बहुत, इमोशन से। बोलती भी बहुत कम है, हम सब बैठे हुए होते हैं, हम हंसी मजाक करते होते हैं तो भी वो अपने ख्यालों में ही रहती है, वो जी राइट एक राइट, बार मजाक मस्ती कर लेती है, बाकी कुछ भी नहीं, अपने ख्यालों में ऐसे सुमसान ही बैठी रहती है, चुप ही राइट रहती राइट है। राइट राइट राइट, तो आप बिल्कुल अनुरोध जी, आप उनको बिल्कुल आप कराइए डॉक्टर साहब से कंसल्टिंग, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए 500 पे करके, और इनके साथ आप जुड़िए बिल्कुल डॉक्टर साहब के साथ, तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई, ठीक है? उनका तो अभी तो मैंने डायबिटीज 2 दिन पहले रैंडमली घर पे मशीन पे चेक किया ना, तो सुबह में उन्होंने दूध पी लिया था, फिर भी मैं उठी ना तो मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है, तो मैंने बोला कि लाओ मैं देखती हूँ कितना है, तो सुबह का तो बहुत ज्यादा आया था, 400 जितना आया था, और दोपहर में खाने के बाद 2 घंटे के बाद चेक किया ना तो वो 350 आया था। अच्छा, राइट राइट, इसके पहले हमने लैब वाले को घर पे बुला के चेक करवाया ना तो तब भी उतना ही उनका डायबिटीज रहा था। डिटेल में राइट थोड़ा राइट, पूछना पड़ेगा मैडम, बहुत सारी डॉक्टर साहब मुझे की, डिटेल पता चल जाएगी एंड देन आई विल बी एबल टू टेल। डॉक्टर साहब की एज ओके 72 है अभी, डॉक्टर साहब की एज 72 है, और डॉक्टर साहब जो है ना यंग एज से, वो जो हाँ जमाने में 1 रुपए क्लिनिक चलती थी उस जमाने से लोगों को ट्रीट करते आ रहे हैं, तो ऐसे हाँ हजारों के देखिए जो आप बता रहे हैं ना इमोशनली जो बता रहे हैं, हर फील्ड के, हाँ चाहे स्टूल के हो, चाहे इमोशंस के हो, चाहे डायबिटीज के हो, चाहे शुगर के हो, हजारों केस देखे हमने, तो उनसे मिलके खुद ही खुश हो जाएंगे, वादी बीमारी तो उनसे बात करके ही सॉल्व हो जाएगी इनसे, तो हाँ बराबर है, उनके चेहरे आप। पे ही दिख रहा है हंसी वाला चेहरा पूरा। थैंक यू। जी, तो हमारे हाँ परिवार के सबसे जो लोग नहीं बोलते उनको डॉक्टर साहब ही खोलते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल आप जुड़िए, ठीक है? करिए मैं आप मेरे पेमेंट हस्बैंड कर। से बात कर लेती हूँ, वो अभी आए हैं तो उनके साथ मैं अभी बात करके कर लेती हूँ। जी यस सर, आपका नंबर चैट बॉक्स में डालिए, दीपाली जी आपसे आपको व्हाट्सएप कर देंगे सारी डिटेल, ठीक है? ओके आपका ओके, नंबर हाँ चैट बॉक्स में डालिए। यस ठीक है। डॉक्टर, हेलो डॉक्टर सुशील हेलो शर्मा हेलो जी, बोलिए। जी, आवाज आ रही है मेरे? आ रही, आ रही मैम। हाँ सर, मेरा नाम शाहीन है, मैं हाँ पौमेरी से बात कर रही हूँ आपसे। बोलिए मैम। सर मुझे ना 2 साल पहले स्ट्रोक आया था, ब्रेन स्ट्रोक ओके ओके, जी। उसके बाद से मेरा लेफ्ट साइड है ना पूरा नम रहता है, हाथ में लेफ्ट, जी पूरा लेफ्ट साइड क्या होता है, नमनेस रहती है। नमनेस रहती है, हाँ, और मेरे आंख के कॉर्नर में, नोज के कॉर्नर, लिप्स के कॉर्नर में नमनेस रहती स्ट्रेंथ है हाथ में। है। स्ट्रेंथ वगैरह सब है, राइट ओके लेग में, लेफ्ट लेग में भी थी लेकिन वो हट गई है थोड़े दिनों के बाद, लेकिन ये इतनी रहती है। और कान के पीछे मेरी काफी नमनेस रहती है, ऐसा लगता है जैसे कोई चीज जकड़े आ रही पीछे, खिंचा हुआ जी था बहुत ज्यादा। तो उसके लिए मैं गैबापेंट 100 mg ले रही हूँ डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के। मैं जी उस दौरान अभी 2 साल में मेरा हाथ की सर्जरी भी, राइट हैंड की, उस वक्त मैं शायद गिर गई थी, मुझे कुछ याद नहीं है, लॉस ऑफ मेमोरी मेरे 1 घंटे की। उसके मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हुआ था मतलब, लेकिन जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। तो उसके बाद मेरी अभी 1 साल, अभी 8 महीने पहले मेरे राइट हैंड की रोटर कफ सर्जरी हुई, क्योंकि उस पर बहुत पेन था, आफ्टर स्ट्रोक था मुझे बहुत पेन था। तो सर मैं अभी नमनेस से अपने बहुत परेशान हूँ, जी तो होम्योपैथिक से ये नमनेस हट जाएगा? जरूर, नमनेस के लिए तो बहुत अच्छा, नर्व्स के ऊपर काम करें, होम्योपैथी तो नर्व्स के लिए बेस्ट है। जी जी हाँ, नर्व्स के लिए कोई भी नर्व की बीमारियां होती है उसके लिए तो होम्योपैथी इज द बेस्ट। तो सर आपसे डायरेक्ट थाने के क्लिनिक में कंसल्ट कर सकते हैं हाँ, हमारा जो है नंबर, आप दीपाली जी से आपका नंबर डाल दीजिए चैट जी? बॉक्स में,
कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे, तब आपका जो ओके, सहूलियत। क्योंकि मुझे आपको सारी अपनी रिपोर्ट दिखानी है जो 2 साल की मेरी है, जी फिर जी जी MRI जो अभी मैंने लेटेस्ट करवाया है जो, राइट राइट तो मैं चाहती हूँ सारी रिपोर्ट दिखा के आपका ट्रीटमेंट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यस यार, रिपोर्ट तो पूरी देखता हूँ मैं, ओके रिपोर्ट थैंक बाद यू। में देखता तो हूँ, पहले मैं पूरा स्टडी कर लेता हूँ, उसके जी एंड में सारी रिपोर्ट देखता हूँ। मैं रिपोर्ट से जी अपना नजरिया नहीं बदलता, मैं जी पहले जी अपना स्टडी करता हूँ, बाद में रिपोर्ट देखता हूँ। ओके फाइन सर, श्योर, ओके थैंक यू सो मच। ओके ओके और सलमान सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सीनियर डॉक्टर से जो कंसल्ट करवाया हम लोगों से, भिजवाया सर, वो तो आपने, हमारे गुरु हैं इसे तो हमें सर। बहुत सबसे पूछना पड़ता है ये कौन सीनियर है, अभी ओके आपने इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर ने अपना बताया। अलहमदुल्ला थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि हम अपने घर वाले ये आपके डिटेल शेयर कर सके। ठीक है, जी ओके थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी, और आपको सर अपॉइंटमेंट सलमान सर आपसे मुझे कुछ बिजनेस के बारे में भी बात करनी थी, तो नंबर शेयर करिए, वो दीपाली जी कैसे आपसे बात करेंगे जी, आप। आपके बिल्कुल ऑफिस है बिल्कुल, सर थाने में किधर, कि आपसे कंसल्ट करना होगा तो कैसे यस होता यस, आपका नंबर डालिए, बिल्कुल आपसे सब कनेक्ट हो जाएंगे, डॉक्टर साहब से लेके पूरा मुंबई के जितने भी सफल सुपर स्टार है सब मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। तो हमारी है कम्युनिटी सर? करेंगे तो मुझे वही आपसे कंसल्ट करनी थी, तो मिल सकते हैं ना आप? भाई, मतलब यस बिल्कुल, थैंक किसी ने खोला तो नहीं। यू सो मच सर। आपका नंबर नंबर चैट बॉक्स डालिए, ठीक है? जरूर जरूर, थैंक यू, थैंक यू। यस यस, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, हेलो यस सर, मैं ओके। तो नेक्स्ट इसको सर बात आवाज करनी आ है रही है, अनम्यूट करके। कुछ सर आवाज आ रही है? मैडम, आपकी आवाज आ रही है हाँ मेरे को सर बहुत। ये भी पूछना था ना, जैसे तो हार्ट की प्रॉब्लम बता रहे हैं जैसे, कुसुम मैडम, मैं आपको, कि मुझे पता है हार्ट आपकी तबीयत तो थोड़ी ठीक है, लेकिन मोबाइल का इलाज कराना पड़ेगा, तो प्रदीप को या फिर हमें डॉक्टर प्रदीप या डॉक्टर पीटर चन्नप्पा को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत क्यों नहीं आ रही है, ये अरविंद सर से भी हम बात कर सकते हैं। तो अरविंद सर बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको। ओके, ठीक है सर, सभा मैडम बैठी है, मुझे बोल रही है ब्लूटूथ निकाल के बात करना पड़ेगी, ब्लूटूथ निकाल के डायरेक्ट बात करिए आप। सभा मैडम ने पकड़ दी बीमारी क्या है। डायरेक्ट दिल से बात करनी है कुसुम मैडम, और थोड़ा जोर लगा के। आ रही है क्या? थोड़ी तो नहीं है, वही तो रोना हो नहीं, गया। उनका जोर बहुत निकल रहा है, बच्चे घर में सब परेशान हो रहे, डिस्टर्ब हो रहे, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो चलो तो जोर तो निकल रहा है। अभी मैं सर से बात कर लूंगी, फोन पे बात कर लूंगी, मैडम है ना? कल अब हम लोग कल बात कर रहे हैं, कभी भी कीजिए, इत्मीनान से कीजिए। यस, तो डॉक्टर ओके साहब कल से बात तो, करती हूँ आपसे। यस यस, तो मैम एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो। ठीक है सर, करती हूँ करती हूँ। और किसी को कोई क्वेश्चन? रविंदर जी थैंक यू। ओके, अनीता जी है क्या पर, ओके वो बता रही मेरा, मुझे वेट लॉस करना है और 90 kg वेट है उनका, आप इसमें एक्सपर्ट है, इससे पहले हम लोग ले चुके सेशन। डॉक्टर साहब बताइए, आपका सब्जेक्ट है ये, 90 kg वेट उनको वजन कम करना है, तो आपसे किस तरह की हेल्प मिल सकती है बताइए। देखिए, मेरा खुद का, मैंने जब मैं यंग था, अभी भी यंग ही हूँ, देखो उस समय मैंने मेरा 20 किलो कम किया था, और उसके बाद फिर मेरे पास लोग वजन कम करने आने लग गए, और लोगों का काफी कम किया है, 28 किलो 30 किलो। तो कभी आप वो नंबर ले लीजिए, वो ये 1-to-1 पहले कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 1-to-1 में हमको सारी आइडिया आ जाती है आपके बारे में कि क्या करना पड़ेगा, फिर हम सलाह देते हैं। राइट, तो अनीता जी, मैं हेलो, चाहूँ नंबर चैट बॉक्स अब में आ रही है डालिए, बात? जी बोलिए। अब आ रही है बात? अरे अभी तो बुलंद बहुत आ रही बढ़िया आ है, रही है मैम, बहुत बढ़िया आ रही है। थैंक तो पहले डॉक्टर अरविंद जी के लिए जोरदार ताली हो जाए, डॉक्टर यू अरविंद सर को मालूम था, सलमान सर को मालूम था, हरविंदर जी को मालूम है कौन सा स्क्रू टाइट करना है। नहीं, यस मैं कह सर, रही हूँ मैं सबको अपनी कल सारी रिपोर्ट भेज दूंगी, फिर बात करती हूँ, ठीक हाँ मैम, अभी है भी ना? जी कल दिन में अभी बात करती हूँ आपसे, ठीक जी है? जी कल कितने बजे बात करूँ, कब कल कितने बजे बात करूँ देखिए, आपसे? सुबह 10 से लेकर 1 के बीच में कभी भी कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, कल बात ओके करती हूँ फिर जी आपसे। जी मैं टेलीफोन से आपको चाय भी पिला दूंगी। ओके, थैंक यू मैम, गुड नाइट। तो सर, और जहाँ यस सर, सर मेरे हाथ में ना इसमें शोल्डर में इंजरी हो गई थी, और हाँ जिम में मतलब थोड़ा सा झटका आ गया था, पहले इससे पहले भी इसमें चोट लगी हुई, तो अभी क्या हो रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ हाथ की कम होती जा रही है, और नम इसमें मतलब कुछ सेंसेशन सी है हाथ में भी, पूरी जी स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैंने पेमेंट कर दिया, तो सर मुझे भी थोड़ी सलाह दें सर।
ठीक कर दूंगा बस, और क्या चाहिए, ठीक है सर, बढ़िया, ठीक हो है जाएगा ना। तो। और डॉक्टर साहब नमस्ते एक चीज सर। देखिए बोलना चाहूंगा, मुबारक खान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं एक बार, हमें मुबारक खान जी का कुछ बताओ ना मैं देखिए एनपीएस सर, सर। मैं केस बता देता हूँ थोड़ा, 2 मिनट में। मेरी बहू को प्रेगनेंसी में कमर में बहुत तकलीफ हो गई थी, और उसके बाद उस समय फिर मैंने एक काउंसलिंग की, दवा दी। वो एलोपैथिक डॉक्टर है, बेटा भी एलोपैथिक डॉक्टर, तो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। बाद में मैंने बोला कहो तो मैं दे दूं, अच्छा है ना। अच्छा अब बच्चे हैं तो उस समय ठीक हो गई, फिर डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद में वापस कमर में तकलीफ हुई, उनके पैर में नमनेस होने लग गई। उनको बड़े हॉस्पिटल में, जुपिटर हॉस्पिटल है थाना में, बहुत बड़ा, वहां गए तो वहां डॉक्टर ने बोला परसों का ऑपरेशन फिक्स कर दो, नहीं तो ओके पैरालिसिस हो जाएगा। ओके। जयपुर डॉक्टर साहब गई। एक जी एक सवाल है आपके लिए कि जी बहुत लंबे समय से पिताजी को खांसी है, टीवी के पेशेंट हैं, और अभी सांस में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है तो बताइए सर। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है या टीबी का यस ट्रीटमेंट अनिल चल रहा जी, है कि बंद हो गया? अनिल जी, हाँ अनिल जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, जो भी आपकी क्वेरी है। उनका ट्रीटमेंट चालू है क्या है? यस अनिल जी बोलिए। अभी मैं ग्वालियर में रह रहा हूँ, तो थोड़ा जोर से बोलिए ग्वालियर में सर, एक, कहाँ मैं रह रहे हैं सर? ग्वालियर में रह रहा हूँ, ग्वालियर में, ग्वालियर वागड़े स्टेट, ग्वालियर 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 हाँ, ग्वालियर यस जी हाँ जी ग्वालियर में एक अतुल सर हैं, अतुल गुप्ता जी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। जी सर अभी 3 दिन पहले मैंने उनसे मेडिसिन ली है पिताजी के लिए, जी अभी खा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अभी बेहतर तो कुछ पता नहीं, पता पड़ेगा आगे चल के। तो हाँ, तो अभी अभी फिलहाल ले पर लीजिए चाहिए तो, और फिर मैं नंबर, हमारा आपका नंबर दे के रखिए, बाद में हम कांटेक्ट कर लेंगे आपका, होने दीजिए। ये जो है, मेरी समझ से ये है कि बहुत लंबे समय से उनको खांसी है, खांसी तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत करते, बहुत लंबे समय से, और अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है। उसके लिए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये है चीज में उसके डाउट में है, अगर कुछ हो देखिए पाता। जी क्या है, देखिए जी वो तो सब केस स्टडी करने के बाद पता चलता है किस तरह की खांसी है। सिर्फ टीबी बोलने से नहीं होता है, उसके कई चीजें होती है खांसी के पीछे के कारण बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो स्टडी करने के बाद में फिर, और खांसी कोई भी हो ना, कोई क्या फर्क पड़ता है, हम कोई बीमारी के नाम से थोड़ी हम लोग करते हैं। हम खांसी, टीबी हो, कैंसर हो, इसके नाम पे नहीं जाते, हम तो इंसान को देखते हैं, इंसान की स्टडी करते हैं, इंसान को ठीक करते हैं बस, थैंक समझ गए सर? यू सर, थैंक यू सर, थैंक यस थैंक यू। आपका नंबर दे के रखिए, फिर यू। बाद में कांटेक्ट कर लेंगे कभी भी, है ना ओके जी ओके। सर। तो फ्रेंड्स, जिसको भी कंसल्टेशन वगैरह लेना है तो जो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दिए और पेमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो यस 500 रुपये कुछ भी फीस नहीं है यार, एक पिज्जा बर्गर खा लेंगे तो 500 रुपये बराबर हो जाते हैं, तो अपनी सेहत के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर आपको मतलब लगता है कि मेरी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमल ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है, मतलब जो शरीर की जो मतलब एनर्जी होनी चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए मेरे अंदर, वो नहीं है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर ने, मतलब जैसे वेट लॉस की भी बहुत सारे लोगों को इशू है, तो सर ने अपना खुद किया है, और जो दिखता है वो बिकता है। जब आप अपना वजन कम कर लेते हैं तो दूसरे वाले अपने आप आपसे के पास आते हैं, तो बहुत जी वास्ट एक्सपीरियंस है। और सर के जो फैमिली है ना, पूरी डॉक्टर ही हैं उसमें, तो सर खुद डॉक्टर हैं, सर की मैडम डॉक्टर हैं, सर के 2 बच्चे डॉक्टर हैं, एक तो शायद इंडिया में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, और उनकी जो बहू है मतलब इनकी जो पुत्र वधू है वो भी शायद दोनों डॉक्टर हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो सही करो डॉक्टर साहब। जी सर यस सर। तो तो डॉक्टर ये 5 मिनट कहाँ पे करना है मैं बताता हूँ, यहाँ गूगल पे को आप ये नंबर इसको स्कैन करिए, और दीपा जी लीजिए एक बार फिर से मैसेज शेयर करिए चैट बॉक्स में, तो आप तो वहां पर भी पे कर सकते हैं या इसको स्कैन करके भी यूपीआई से पे कर सकते हैं। राइट, तो जैसे एनपीएस जी ने कहा कि पिज्जा, अभी 500 रुपये में पिज्जा भी नहीं आएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, 500 रुपये यहाँ पे कर देंगे, लेकिन पिज्जा डॉक्टर साहब बंद करा देंगे, पिज्जा आएगा नहीं, पिज्जा खाना ही बंद करा देंगे। तो जो वेट लॉस वाले पेशेंट है, जो डॉक्टर साहब के उसमें एक बार डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इनका प्रोग्राम लेकर आए थे वेट लॉस के ऊपर, तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि हम खाते क्यों, क्योंकि हमारा माइंड बोलता है, और मैं अगर माइंड को ही चेंज कर दूंगा आपके वहां पर तो आपको माइंड ही नहीं खाएगा उस चीज के बारे में। तो ये बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब को पता है, माइंड की टेक्निक बहुत सारी पता है डॉक्टर साहब को, इसको
साइकोलॉजी बहुत सारी चीजें पता है, खाली मेडिसिन के अलावा भी, तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इनका, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। और होम्योपैथिक के साइड इफेक्ट भी नहीं होते, कुछ टाइम खाना होती है फिर बाद में बंद हो जाती है ना डॉक्टर साहब, इसके बेनिफिट एक बार बताएंगे तो। जी वो पहली तो सबसे पहला तो लेने में बड़ी आसान है और कम से कम दवा होती है। ये डॉक्टर साहब बोलिए आप। यस डॉक्टर साहब, सो डॉक्टर एनपीएल जी आप आ जाइए, तो डॉक्टर साहब शायद प्लीज हो गया, तो सभी शायद डॉक्टर फ्रेंड्स हेलो शायद कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से डॉक्टर आ गया। साहब अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए आप अपने हेल्थ को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और क्या हमें ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लाइफ स्टाइल डिजीज तो है, या फिर कोई आपके जो परिवार में भी होंगे लोग, जैसे घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम है, बहुत सारे मतलब हैं, आप देख सो सकते हैं समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे एज हमारी बढ़ रही है उसके हिसाब से बीमारी भी बढ़ रही है। तो डॉक्टर साहब आप हैं भी रेडी हैं, आप बात कर सकते हैं? जी सर, यस सर, मैं हूँ सर। बिल्कुल। तो और किसी का कोई तो सवाल मैं हो क्या, तो आप सवाल मैं भी पूछना ले चाहूँ, सकते हैं अभी। यस मैं पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा, आज के सेशन से आप लोगों को वैल्यू मिली या नहीं मिली, यस और नो? यस राइट, सो एक नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने ओपन हो रही है, दिखाई दे रहा होगा आपको कि हम अब इस बिजनेस को घर बैठ के या पूरे इंडिया में लेके जा सकते हैं, जो हम लोगों ने ट्रायल किया था। तो डॉक्टर साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चीज को हमने आज सक्सेसफुली इसको क्रिएट कर थैंक दिया, अब इसको हम स्केल कर सकते हैं, इसको लेके जा सकते हैं कि ताकि हम यू डॉक्टर साहब से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, और जो उनका आने वाले टाइम में जो उनके बच्चे भी चाहते हैं कि सर ट्रेवल ना करें, जो एनपीएस सर ने बताया कि उनकी पूरी फैमिली जो है डॉक्टर है, उनके बच्चे डॉक्टर हैं, उनकी बहू जो है वो भी डॉक्टर्स है, वो लोग मना करते हैं डॉक्टर साहब मत जाइए, लेकिन डॉक्टर साहब के पेशेंट इतने हैं, पुराने पुराने बड़े बड़े लोग हैं सब, जो उनको बुलाते हैं चाहने वाले थे, डॉक्टर साहब को जाना पड़ता है। सो अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, डॉक्टर साहब को भी कंसल्टिंग करने में मजा आता है और क्लिनिक ना भी जाना पड़े, तो घर बैठ के भी आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं डॉक्टर साहब। तो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक जी को बात करनी है शायद। यस मुबारक जी, काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो मुबारक जी आप अनम्यूट करके बात करिए, हम आपको अलाउ कर रहे हैं अनम्यूट करने के लिए, आप क्लिक करिए अनम्यूट पे, जो रेड माइक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके अनम्यूट करिए। ओवर टू यू एनपीएस सर, आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं उनको, बताइए। एक मिनट में ट्राई करता हूँ सर। ओके, सो हरविंदर सर क्या करना पड़ेगा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, बताइए उनको। हरविंदर मेरे को इसको होस्ट बना दीजिए सर, अच्छा बिल्कुल, यस यस हमने होस्ट नहीं बनाया, और कमांड दे सकता हूँ यस सर इनको। थैंक यू यस सो मच सर। तो थैंक यू सभी को, और मैं सभी को गुड इवनिंग। मैं सफल सुपरस्टार हरविंदर सिंह दिल्ली से। तो सर आपका सेशन एक तो बहुत ही बढ़िया रहा, और दूसरा जो आपका डायलॉग सर ने भी नहीं, सलमान सर ने भी नहीं बोला है आज अभी, तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि डॉक्टर साहब दवाई कम, मैं कह रहा हूँ कि दवाई कम देते हैं डॉक्टर साहब। और लास्ट में भी काफी बात चल रही थी कि दर्द भी वही देता है, दवा भी वही देता है जिसके पास जो है। तो सलमान सर उसको ज्यादा अच्छे से रिपीट कर पाएंगे। दर्द भी तुमने दिया और दवा भी तुमने दे दी है, तो अगर किसी का भी पेशेंट को हम सुन तुमने ले। दर्द दिया यस तुम्हें दवा देना। हरविंदर सर, अभी यस मुझे यस कह रहा है जो कोई मेरा भाई बैठा है यहाँ पर, छींक रहा था यहाँ पे बैठा हुआ, तो छींक सर, रहा था, तो मैं लोगों को पहली पहली फुर्सत में डॉक्टर साहब को ज्वाइन करो, क्योंकि ये बीमारी मुझे भी थी, ये मैं भी किया करता था फोरम पे। यस तो कौन डॉक्टर आशीष आशीष नैन, मेहरोत्रा यस जी यस अनुरोध किया सर। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सफल सुपरस्टार डॉक्टर आशीष पुणे से, एंड आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया है सेशन के लिए सर, थैंक यू सर। तो हैट्स ऑफ टू यू सर एट दिस। आशीष जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए, आशीष जी म्यूट, आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए। उनका हो गया सर, उनका ओके,
ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है, बर्गर पिज्जा खा हमारे करके तो और चैलेंज आने वाला है। यहाँ पूरी, हमारे यहाँ पूरी एरिया की लाइट अचानक चली गई, तो ये मोबाइल मोबाइल पे कनेक्ट किया मैंने। वेरी नाइस। अच्छा मुबारक खान जी, बात करना जा रहे हैं काफी टाइम से, तो रिकनेक्ट करिए ना, जैसे अरविंद सर ने बताया था, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करिए मुबारक साहब। सर तो मेरे को ठीक है नजर सर, नहीं आ रहे। अरविंद जी आप बोलिए, बोल रहे थे आप। मैं कह रहा हूँ सर, मेरे को नजर नहीं आ रहे स्क्रीन पे ना, मैं अभी को ढूंढ रहा हूँ। मुबारक साहब हैंड रेज कर सकते हैं आप। नहीं, लॉग आउट कर लिया उन्होंने, लॉग आउट हो गया, अभी वो फिर से लॉग इन कर रहे हैं शायद। यस तो मैं ये कह रहा था ओके। कि ये जो 500 पीज हैं, ये पिज्जा बर्गर खा के बीमार तो पड़ सकते हैं, उसके चांसेस ज्यादा होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के ठीक ज्यादा होंगे, तंदुरुस्त ज्यादा रहेंगे। तो थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, किसी का और सवाल है तो सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। आलम जी ने भी अनम्यूट किया हुआ है, एनपीएस जी आलम जी ने किया हुआ है आलम जी, अनम्यूट। आपका भी कोई सवाल है? नमस्कार सर, मेरा खांसी हो रहा है सर, कई 3 से 5 4 साल से। एक्चुअली मैं जब जेएनके में था तो बर्फ में 1 साल रहने के बाद कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल से मेरा खांसी शुरू हुआ, तब से लेके अभी तक की खांसी चल ही रहा है। तो मैंने एलापैथी यूज किया, क्या हुआ, हेमोपैथी यूज किया, और मैंने सारे जितने भी जो भी कुछ बोला सारे और दवाई यूज कर ली, लेकिन खांसी कंटिन्यू चल रहा है। सबसे ज्यादा खांसी होता है सुबह, दिन भर कभी कम कभी होता है कभी नहीं होता। तो अभी लोकेशन कहाँ सर आपकी? ओके, मेरा दिल्ली में है दिल्ली वाले हैं सर, बहुत अच्छा। दवा डॉक्टर बनाइए जी। साहब, यहाँ के जो डॉक्टर बेस्ट है, होम्योपैथी डॉक्टर है बंसल, डॉक्टर बंसल, हाँ गोल्ड मेडलिस्ट है, दिल्ली का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उन्होंने उनको भी दिखाया मैंने। जी सर, उनको दिखाने के बाद उन्होंने दवाई दिया, मेरे प्लग खांसी चुके सूखा खांसी था, फिर उन्हें वो थोड़ा वो बलगम निकालना शुरू करा दिया, फिर और ज़्यादा मेरे तकलीफ शुरू हो गया, फिर वो बंद करा दी। स्टडी करना पड़ेगा सर, इतना लंबी खांसी चल रही है। आलम साहब आपने पेमेंट कर दिया है राइट? तो हाँ जी हेलो, बिल्कुल आप 1-to-1 में बैठेंगे तो सर बताएंगे आपको बिल्कुल। तो वो आपका 1-to-1 जब होगा तो डॉक्टर साहब से आप कंसल्ट करना राइट। मैं चाहूंगा एनपीएस सर, हेरविंद सर, आप नाम लेके लोगों से बात करेंगे तो वो लोग इंटरेक्ट करेंगे। यस, तो उनसे पूछ भी तो सकते हैं जैसा आपसे। आलम जी, आपसे यस, जो हमारी टीम मुबारक जी आ है, गई, मुबारक मुबारक जी, खान जी आ मुबारक गई। जी, तो हेलो सर, यस हेलो बात सर, करिए। हाँ हेलो सर, हेलो। हाँ जी, मुबारक यस जी, मुबारक बोलिए जी। जी, मुबारक जी। आ रही आवाज सर आपके आप आ जा रही है। जी सर, मुझे मैं बहुत परेशान रहता हूँ हफ्ता 18 18 ईयर से। मैं बहुत परेशान हूँ सर, बहुत 18 साल से परेशान हूँ मैं। क्या तकलीफ है? जी, 18 साल पहले मुझे क्या बोलते वो फिट्स आया था, फिट्स हाँ जी। तब मैं 5 साल के लिए गोली खाया था, 5 साल। जी, उस वक्त के बाद से मुझे एकदम कोई भी चीज देखा तो कुछ, कोई भी चीज देखा तो डर डर के सका, कोई भी चीज देखा तो एक परेशान रहता हूँ, अजीब माहौल रहता। किसी से बात करना, आदमी में मिलना तो डर डर होता, बात कर नहीं सकता, और कोई भी बात मुझे ज्यादा याद नहीं रहती। बात कर 4 लोगों में बैठ कर बात करने नहीं होता था, और जब भी फिर एक 2 साल से हमें घर बदले थे, वो घर बहुत ठंडा था। जब जी वो जमीन फ्रेश पूरी ठंडी थी, जब वो घर को गया तो ये लेफ्ट हैंड में पूरा एक कमजोरी सका, एक ताकत ही नहीं सका, एकदम हाथ में एकदम शल हो गया इसका दिखता था। जी कुछ भी हाथ में एकदम ये हाथ में ये है ना, ये कले यहाँ पे पूरा एकदम ताकत नहीं, कुछ भी उठा उठा सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, वो सब होता था लेकिन ताकत ही नहीं सका ऐसा मालूम होता था। ओके इसलिए मैं 1 साल पहले एक डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर क्या बोले, मुझे फिट्स आया था ना, हो सकता है ये भी हो सकता है। जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो बात नहीं कर सकता, चक्कर चक्कर, सिर में दर्द, दोपहर में जब उठता हूँ डिनर के लिए, लंच के लिए,
तो सिर चक्कर चक्कर, लिफ्ट में जाता हूँ तो एकदम चलता हूँ तो तभी चक्कर चक्कर, कभी कम होता कभी ज्यादा होता। कहाँ से तो बोल रहे हैं सर? मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ सर। बेंगलोर से। सर आप अपना नाम लिखा दीजिए जी और एक बार कर दिया हूँ सर। कंसल्ट हो जाने दो हमको, सब डिटेल में समझेगा तभी। जी कंसल्ट कर दिया हूँ सर। हाँ लेकिन पक्का है कि आपको रिलीफ दूंगा जी और एक मैं बता देता हूँ, 2 मिनट सर। जी। नहीं अभी मत बताइए, कारण बता रहा हूँ, जब जी आप बताएंगे तब मैं हर चीज को नोट करूंगा। अभी बता देंगे तो आधी चीजें आप बोलेंगे नहीं छूट जाएंगी सर। तो जी अभी जी वो टाइम पे आप शेयर नहीं, भूल जाएंगे बताने के लिए, तो डॉक्टर साहब हाँ वो बना नहीं पाएंगे, हिस्ट्री नहीं ले पाएंगे, तो आप थोड़ा अंदाज आ पेशेंट गया रहिए। आपका, अंदाज आ मुबारक खान गया है। जी, मुबारक खान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने समझ लिया और वो बता रहे हैं कि रिलीफ दे दूंगा, तो मतलब दे दूंगा, मतलब दे दूंगा रिलीफ। जी, ये हाथ तो कभी भी, ये लेफ्ट हैंड है, इतना लेफ्ट हैंड में ताकत नहीं जगह रहता है, कभी जी भी डिस्टर्ब। और एक मेरे को, एक 4-5 साल से एक नोट किया मेरे को, कभी भी क्या वो बीड़ी की बात आती है सर, बीड़ी बीड़ी जो है ना, बीड़ी कोई बात नहीं, ये सब तब उसकी वो बताइए सर आती प्लीज। कारण है बता बीड़ी रहा की हूं, बात। जब मैं मुबारक केस भाई, लूंगा मुबारक भाई, हर चीज नोट करूंगा आपको सर। यस, आप कल बात करना, मतलब मैडम आपको कॉल करेंगी आपको, जी उसके बाद आपका जब अपॉइंटमेंट होगा तब आप बताना, ठीक है ना, सारी बातें ठीक है वहां सर, पर। ठीक आप डॉक्टर साहब रहेंगे तो आप शेयर करना हर एक बात अपनी, सारी बातें, ठीक है। है सर, डॉक्टर साहब आपसे के साथ इत्मीनान से आराम से बहुत ज्यादा बात करेंगे, डोंट वरी, पूरा ठीक है टाइम सर, देंगे डॉक्टर साहब को। और जी आपकी जी बीमारी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, राइट डॉक्टर साहब? जी सर। तो हमें डॉक्टर साहब पे भरोसा है पूरी तरह से। ऐसे माहौल में वो मुझे बहुत आती है जहां पे कोई ऑफिस में कोई बीड़ी नहीं पीता, वहां पे मुझे बीड़ी की बहुत आती है। डोंट वरी डोंट वरी। ओके हाँ ठीक है ठीक है बियर सर जी, ऐसे मुबारक जी, खान जी आप ठीक हो इंशाल्लाह जाएंगे, करते आप विश्वास रखिए, और हैं सर का आप। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत जी लंबे जी सालों से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे ज़्यादा जी पचास सर साल टोटल से भी 50 के आसपास हो गया होगा सर, डॉक्टर साहब 51 51। थैंक यू सर, ईयर्स से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है थैंक मुबारक यू जी, सर, थैंक यू सलमान सर, ठीक अभी है क्या ना थैंक यू यहाँ सर। बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सर सारी चीज़ भूल जाएंगे, जब आप जी 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 कंसल्टिंग होंगे तो सर नोट करेंगे पूरा आपके ना क्या क्या है इश्यूज़ है, जी तो फिर वो समझ के फिर आपको कंसल्ट कर सकते हैं ना सही जी जी तरीके सर, से। ठीक थैंक यू सर, थैंक है बहुत अच्छे। तो यू सर। फ्रेंड्स और कोई है किसी का सवाल है? दीप्ति अभी दीप्ति जी जी ने बोलना दीप्ति चाहती हैं। ठीक मैकाती जी ने रेज करा हैंड अपना। दीप्ति हरवे साहब, आप लोग हैंडल कर जी प्लीज लीजिए। कैरी ऑन। आपका सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू मेडिकल मैम। टर्म्स के कंडीशन में। मैं ये चाहती हूँ कि आप क्या मेडिकल कैंप रख सकते हैं क्या हमारे स्कूल में? कहाँ पर हैं आप? विरार विरार या कौन सी क्लास के लिए? मेरे अप टू प्राइमरी, प्री प्राइमरी ओके टू प्राइमरी। आप नंबर देके नोट कर लीजिए मेरा। दिया है नंबर मेरा, जी एंड आई वुड कंसल्ट यू रिगार्डिंग माय हस्बैंड अस्थमा आल्सो। दैट टाइम वी विल टॉक अबाउट। या ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड नाइट। और किसी का सवाल है दोस्तों फ्रेंड्स? यस एनपीएस सर, डॉक्टर साहब को लेट हो रहा होगा घर जाने के लिए, तो मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब आप घर जाइए, बाकी यहाँ पर हमारे बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, अरविंद सर है, एनपीएस सर है, गौरव सर है, बस खाली दवाई मत दे देना शुरू करना, जोश में आगे लोग मेडिसिन भी बताने लगेंगे कि गरारा करो, गर्म पानी पियो, ये करो, तो आप डॉक्टर साहब इतमान से जाइए। यस 1 मिनट बैठिए यहाँ पर, अच्छा है ना सर, आधा काम दवाई हो जाएगा, भी दे आधा देंगे। काम हो जाएगा ना वही। जी एकता गुप्ता मैम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुशील, गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा सेशन था थैंक एंड काफी अच्छा बताया आपने। जैसे कि होम्योपैथी से मेरा भी बचपन से लगाव है, क्योंकि मेरे पापा भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो वाह जी, मैं भी काफी बिलीव करती हूँ। और आज तक मैंने जो है अंग्रेजी दवाई तो कभी, बहुत इमरजेंसी हो गया अगर बहुत तभी मैं खाती हूँ, नहीं तो खाती नहीं। और कभी खा लिया तो 1 महीने में उस और बीमार रहती, ठीक होने के जी बाद पूरा मुंह में ऐसे अजीब सा रहता है फीलिंग उसका, अंग्रेजी दवाई का। तो थैंक यू जी सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा सेशन दिया आपने, थैंक थैंक यू यू मैम, सो थैंक यू, थैंक यू। मच। यस सो मैं मैं शेयर भी करना आपका चाहूंगा, चाचा ही हूँ क्या है? यस जी मैं भी जिन चाचा लोगों ने ही हूँ। रजिस्टर कर दिया, यस जिन लोगों ने रजिस्टर कर दिया, तो डोंट वरी, डॉक्टर साहब का नंबर शेयर करके डॉक्टर साहब को आप परेशान करेंगे अननेसेसरी, तो फोन भी नहीं उठाएंगे तो आपको लगेगा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब के असिस्टेंट है साक्षी मैडम,
तो दीपाली मैम ने जो नंबर आज कलेक्ट किए हैं, कल वो दिन में साक्षी मैम को देंगी, और उसके बाद साक्षी मैडम जो है आप सबको कोऑर्डिनेट करेंगी, उसके बाद आपका आपके टाइम के हिसाब से डॉक्टर साहब का कंसल्ट करके उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगी। सो डोंट वेरी, चिंता नहीं करना, और दीपाली जी का नंबर है, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आप घर जाइए, लेट हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं, काफी लेट हो रहे हैं, तो आपको अगर कुछ खाली बोलते हैं तो जा सकते हैं, हाँ बाकी मैं यहाँ आयुर्वेद जैसे सर। लाइट भी आएगी, आपकी पूरी लाइट भी चली गई, निकलता अच्छा, हूँ यस यस, जी। तो ओके, कंटिन्यू करिए एनपीएस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ओके सर, सलमा जी सलमा सर, टॉर्च तो सर, आपकी जेब में है सर, आपको तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, टॉर्च तो सर, दो टॉर्च रखी होगी ना आपकी जेब टॉर्च में रखता हूँ तो अभी ईद वाले दिन हम सलमान सर के साथ थे, और खुशी की बात है, तो सलमान सर के हमने लंच भी किया, तो थैंक यू सलमान सर, आपने जो मतलब हमारी हौसला अफजाई करी वहाँ पे, और मतलब जो इतना टाइम दिया सर, थैंक यू वेरी मच। और फिर हमने डॉक्टर सुशील शर्मा से कनेक्ट किया, तो शर्मा जी भी वहीं पे आ गए, तो हम सब लोग मिल गए वहाँ पे, और मजा, अच्छा टाइम गुजरा अपना। सुखी साहब भी आ गए, रात सुखिंदर भी को फिर चिन्ना जी से भी शाम को मुलाकात हो गई हमारी, तो सारा जी। जो काम था एक दिन में हमारा खत्म हो गया, और फिर उसके बाद हम जूहू चौपाटी पे भी घूम के आ गए रात को, फिर सारा क्या काम बात, कर लिया एक दिन ग्रेट ग्रेट। में तो बहुत चलो तो अच्छा था। फ्रॉम, थैंक यू। यस, कुछ पूछना किसी को? नहीं बाकी तो सर 1 to 1 में ही पूछेंगे, और कुछ डॉक्टर साहब सवाल आएंगे तो आप हम लिख निकल लेंगे, निकल के नोट जो कर है लेंगे आपको अभी। जल्दी रोड साहब चलने दी, आप आपका चलो सेशन जल्दी। चलने, 10 मिनट में जरा देख रहा हूँ मैं, यस यस मेरा ओके, बेटा आ एनपीएस रहा है, 10 मिनट यस लगेंगे यस उठवाने। यस, ठीक है डॉक्टर डॉक्टर भरत, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? गौतम कांटेक्ट नंबर कुछ पूछ रहे हैं, एक बार आप सर आवाज आ एड्रेस। रही, नहीं कांटेक्ट नंबर में अननेसरी डॉक्टर साहब को डिस्टरबेंस होगा, इसलिए हम नंबर शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो लोगों ने रजिस्टर कर दिया है उन लोगों को तो नंबर मिल ही जाएगा, डॉक्टर साहब के तो कनेक्ट होने ही वाले हैं वो लोग, और आप अपना साक्षी नंबर जी डालेंगे तो कांटेक्ट कर कनेक्ट होंगे। लेंगे। यस साक्षी मैडम कनेक्ट कर लेंगे। यस तो फ्रेंड्स एक तो डोंट वरी, जितने भी पेमेंट, जितने भी लोगों ने किया जितने भी हुआ है, पेमेंट, साजिद जस्ट अमीर अरविंद जी जी का एक मिनट, नंबर है। जिसने भी पेमेंट कर दिया है उन सबसे हमारी टीम कनेक्ट करेगी, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि सबको टाइम देना एक साथ मतलब पॉसिबल नहीं है, तो और सर जैसे सुशील शर्मा सर का है टाइम भी बहुत, मतलब सबको सर ने बताया भी आधा घंटे से लेके 1.5 घंटे तक, तो 30 to 45 मिनट्स का जो सेशन रहेगा, तो तो उस स्लैब में कितने लोग कनेक्ट बोलना कर पाते हैं उसके हिसाब से, फिर किसी का नंबर कल नहीं आ रहा तो चाहिए, परसों आ जाएगा, उसमें इतनी मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है, और बिल्कुल आएगा सबका नंबर, और हमारी टीम कनेक्ट करेगी आपको, आपको कुछ एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर? तो डॉक्टर भरत आपसे हम कुछ लेना चाहेंगे शेयरिंग से, आवाज आ रही है सर? आवाज़ थोड़ी कम आ रही हेलो। है थोड़ा, या तो हाँ अच्छा, सुशील सर को पहले थैंक यू, एकदम बढ़िया सेशन हुआ। जिन्होंने भी रजिस्टर नहीं किया है उनको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि होम्योपैथी हेल्थ के साथ साथ मेंटल पे भी काम करता है, और नो साइड इफेक्ट। तो होम्योपैथी का मेरा भी लड़का भी ये है, लेकिन सर का जो एक्सपीरियंस है और जो भी केसेस सर ने ये शेयर किए अमेजिंग है। तो उसके लिए जो भी क्वेश्चन पूछने, 1 to 1 कोचिंग करो। और मुझे इतना ही कहना है कि जिसको भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, सरकार ये 1 to 1 कोचिंग का चांस ले लो। इतने कम रुपीस में कोई देगा नहीं, और इतना एक्सपीरियंस पर्सन भी मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि तो होम्योपैथी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आपके आजू बाजू में भी रहेंगे, लेकिन सर ने जो केसेस हैंडल किए उसका जो अभी स्टडी उन्होंने अभी बताया वो अमेजिंग है। तो और यही मुझे बोलना था, और मुझे बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर, और सुशील सर को तो बहुत हेड्स अप। बहुत अच्छे डॉक्टर भरत। तो हरविंदर जी क्या कह रहे थे आप सर? यस सर, मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोगों ने तनवीर जी ने और एक नमिता मैम ने अनमिट किया हुआ था। ठीक है, वो बहुत अच्छा है, जिसने पेमेंट कर दिया बहुत बढ़िया है, तो संदीप सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत समय के बाद जुड़ा हूँ परिवार में, अच्छा बहुत अच्छे, सेशन रहा था, शानदार सेशन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सर। नारायण सिंह राठौर जी, नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही सर मेरी?
देखो आवाज के बारे में पूछना नहीं सर, आवाज आती है, कुछ दिक्कत होगी तो हम बताएंगे आपको, ठीक है? जी सर, मैं यही कह रहा था कि मैं सेशन में थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, तो ओके इसलिए मैं डॉक्टर साहब की जो भी वो थी उनका प्रोग्राम था वो पूरा से नहीं सुन पाया। जो लोगों की शेयरिंग से पता लगा कि जो 1-to-1 में उनके साथ कनेक्ट होंगे, उनकी सारी जो भी प्रॉब्लम रहती है डॉक्टर साहब से कंसल्ट करेंगे, तो मैं भी डॉक्टर साहब से 1-to-1 बात कर लूंगा करूंगा और उनसे मेरी जो भी है क्वारी करूंगा। मुझे मेरी अपनी हेल्थ के लिए कोई इशू नहीं है, मैं अपने फैमिली में किसी हेल्थ के लिए इशू में बात करूंगा डॉक्टर साहब से, और देखिए, मुझे तो उम्मीद है वहां से मुझे उन अभी सोल्यूशन मिलेगा। अभी ना वैसे 500 रुपये फीस है, लेकिन आपको अभी 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। पाँच सौ मैं रुपये तो डॉक्टर की, हजार भी सुनो दे दूंगा ना सुन तो लो, दादा। 500 रुपये डॉक्टर साहब की फीस और 500 रुपये लेट आने की फीस, ठीक अच्छा है सर? ठीक है तो यहाँ पे ना चैट बॉक्स में एक नंबर है सर, वो फ्लैश हो रहा है, आप उस पर 500 रुपये पेमेंट कर दीजिए और 1-to-1 कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टर साहब से, ठीक है सर? नारायण सिंह जी, जी ठीक है सर? और सेशन कैसा लगा वो फिर सर, बाद में आप देख पाएंगे, अभी ये जब रिकॉर्डिंग आएगी उसकी, ठीक है सर? अभी तो पॉसिबल नहीं है, और सर को भी अभी घर जाना है तो कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर पाएंगे सर से, ठीक है सर? तो दीपाली एक बार दोबारा से शेयर कर देना नंबर, और जो GPA का नंबर है वो भी एक बार, QR कोड भी आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं नारायण सिंह जी, ये आ गया नंबर, जी इस पर कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या फिर दो गूगल पे और ये पेटीएम वगैरह से जी भी कर सकते हैं, ठीक है सर? यस और कौन कौन लोग हैं अभी यहाँ पे? हाँ चित्रेश जी, कैसा लगा आज का सेशन? सर, मैं चित्रेश मल सफल सुपरिस्टार फ्रॉम दिल्ली। बहुत अच्छा था सर का वेबिनार, बहुत वाकई यूजफुल था पूरा का पूरा, और हम मतलब इस वेबिनार से ज्यादा लोगों के पास जोड़ सकते हैं, और चीजें भी अच्छी थी जो आजकल दैनिक मतलब ऐसा कोई घर नहीं जहाँ परेशानी ना हो, बॉडी से लेके कोई ना कोई अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो ये सेशन सर का बहुत अच्छा था और कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर आपका बहुत मा जी बहुत अच्छे चित्रेश जी, बहुत बढ़िया बताया आप। सर, जी सर, सबसे पहले चित्रेश जी जुड़े थे सबसे पहले स्टार्टिंग में, जी सर, जी सर। उस समय अरेंजमेंट में बिजी था जी। सर इसके लिए जैसे मुझे अपनी मम्मी, जब मेरे को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मम्मी को होती है, जी उनको घुटने की प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को ना बैक पेन है, तो मुझे दोनों के लिए हाँ, कैसे मतलब आपसे कैसे वो कर सकते हैं हम कनेक्ट? ऑनलाइन ही सर। हाँ ऑनलाइन ही। हाँ, आप वो ये नंबर डाल दीजिए ना, तो कम से इस आज के इसमें हो जाएगा ना आपका। हाँ अच्छा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं। डाल दीजिए, तो क्या होगा आपके प्रेजेंट चार्जेस में हो जाएगा। देखिए अपना सर, इसका इसका चार्जेस है ना, अपने यहाँ के चार्जेस हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर। भले आप 5-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, किसी भी दिन जुड़ जाएगा, अपना अपॉइंटमेंट सेट कर लेंगे, दोनों की सहूलियत के हिसाब से सेट कर लेंगे टाइम। ठीक है सर, थैंक जी सर, देखो फ्रेंड्स जो यहाँ पर रजिस्टर कराएगा ना, उसके लिए के ये 500 रुपये हैं, और सर से डायरेक्ट कंसल्ट जी। करेंगे तो 1,000 रुपये सर की फीस हो, ठीक है? वो आज डिस्काउंट दिया सर को यहाँ पे फॉरम के, ये स्पेशल डिस्काउंट दिया सर ने। ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक आशीष जी नंबर दे दिया उन्होंने, थैंक यू आशीष जी। आशीष शाह जी उन बात करना चाहते हैं सर, ये हो गया उनका।
हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर, मुझे सर स्किन का प्रॉब्लम है, सोराइसिस टाइप कुछ है, तो हाँ इसमें होम्योपैथी में कुछ हो सकता है इलाज? होता है, अगेन ये भी एक चीज ऐसे है, डीप सीटेड प्रॉब्लम होती है, थोड़ा टाइम लगता है इसको, बस जब अपन अच्छा सर, जल्दी, हाँ बट लेकिन हम लोग बिना मलम के ठीक करते हैं, ओके सर। हाँ। लोग मलम लगा लगा के उसको दबा देते हैं, लोग बिना मलम के करते हैं ठीक है सर। जी। तो सर कंसल्टेंसी का मैं अभी आज पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कल परसों करूँ तो चलेगा इसमें? आप नंबर तो डाल दीजिए, अपना नंबर नंबर मैंने डाल दिया सर। हाँ डाल दीजिए, तो फिर उस हिसाब से कल तक कर लीजिए आप, मतलब वो कर ठीक है। लीजिए, क्योंकि आपको नुकसान क्यों करते हैं आप चार्जेस का, हाँ ठीक है सर, कर मैं दूँगा। आपको सबको दे रहा हूँ सप्रेम गिफ्ट दे रहा हूँ, और क्या, तो ले लीजिए ना ओके उसको जी। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ मैं अहमदाबाद से सर। अहमदाबाद, ओके सर। अनीता एनी जी, वन एल्स? और पूछ लीजिए सर, किसी को बोलना है कुछ? हिना जी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। ये गौतम चंद मोदी जी हैं फॉरम पे, गौतम जी चंद जी। हमारी सेना भी रखवाली के लिए देखिए साथ में खड़ी है, अनीता डी चन्ना साहब भी रेडी हैं। मुदगला जी, डी चन्ना जी आप हैं फॉरम पे? तो हाँ जी साहब, कैसा लगा सर सेशन? आवाज आ रही है? यस सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग सफल गुड परिवार, मैं हूं सफल इवनिंग, सुपरस्टार डी चेन्ना, सपनों की नगरी मुंबई से। कोच एनपीएस साहब, आपको तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए कि सेशन कैसा रहा। डॉक्टर सुशील साहब जब दे रहे हैं सेशन, तो वो तो दमदार और जोरदार और शानदार होना ही है। और टॉपिक्स को इतनी बेहतरीन से तरीके से कवर किया है कि उनका टॉपिक और उनका सेशन देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि हर समस्या का समाधान होम्योपैथी से हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है लोगों को, डॉक्टर पे विश्वास रखना है। आजकल क्या है कि तुरंत ठीक होना है, तुरंत ठीक होना के चक्कर में लोग एलोपैथी के चक्कर में चले जाते हैं और फिर वो हाई डोज की गोलियां लेते हैं, कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट होता है। और जिस तरह से डॉक्टर सुशील शर्मा साहब ने सेशन लिया है, निस्संदेह ये दिखाता है कि सब्जेक्ट पर जो है उनका पूरा ग्रिप है। और बीच बीच में इतनी बेहतरीन तरीके से वो ये इंश्योर भी कर रहे थे कि जो कुछ भी वो बता रहे हैं लोग समझ रहे हैं। तो यस नो या फिर सी लिखिए, वाई लिखिए, ये सब कर करके तो बहुत बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब आपने एंगेज किया। और कई सारी चीजें जो कई लोगों को पता नहीं थी या डाउट था कि नहीं होम्योपैथी से ये भी होता है क्या, वो भी हो सकता है क्या, तो जिनको थोड़ी बहुत शंका थी बखूबी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको क्लियर किया। आज के सेशन के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी कोई समस्या आए हेल्थ से रिलेटेड, तो पहले लोग जो है होम्योपैथी को जरूर ट्राई करना चाहेंगे आपके नॉलेज देने के बाद, देन दे विल गो टू द एलोपैथी। तो बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, जो आपके इतने यू साल का तजुर्बा, इतने साल का ज्ञान, इतने सारे पेशेंट्स पे ये सारी नॉलेज को आप अप्लाई करने के बाद जो आपने रिजल्ट निकाला है, उसका निचोड़ जो आज आपने सफल प्लेटफॉर्म को दिया है, वाकई हम सारे सफल परिवार बहुत ही अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि आप जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर ये प्रेजेंटेशंस के माध्यम से डॉक्टर साहब हमको आज ये नॉलेज लेने को मिला है। उम्मीद है कि सफल परिवार का हर एक सदस्य आपके इस ग्रेट नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे और अपने लाइफ को हेल्दी बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन, विश यू ऑल हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हैव ग्रेट थैंक इवनिंग। यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। एनपीएच में
मैं करूँ शेयरिंग जी? यस तो गुड गीता जी इवनिंग सफल करना परिवार। चाहती हैं। अच्छा, गुड इवनिंग सफल परिवार, मैं हूँ सफल सुपरस्टार डॉक्टर हिना कर्वी एंड डॉक्टर सुशील शर्मा जी, आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आपका ये नया नया प्लेटफॉर्म मतलब जो तैयार हो रहा है ऑनलाइन का, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपने बहुत अच्छे से बताया लोगों को होम्योपैथी के बारे में। एंड मतलब ऑनलाइन करने से एक ही है, मतलब जैसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग लॉकडाउन, ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब मेरे ऑनलाइन पेशेंट्स बढ़ गए थे। तो ऑनलाइन करने से एक है कि यू विल बी एबल टू रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू विल हैव टू यू विल यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो मच फॉर पीपल, टू मेक पीपल हेल्दी। जैसे हमारे हनुमान साहब बोलते हैं ना, डॉक्टर हनुमान क्या बोलते हैं कि हनुमान सर ये बोलते हैं कि हमें हेल्थ क्यों चाहिए, ताकि हमारा जो हायर पर्पज ऑफ लाइफ है वो उसके लिए हम जिए। क्योंकि अगर हमारी माइंड एंड बॉडी अगर हेल्दी होती है तो हम बहुत सारे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके थ्रू बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ गेन करें और हायर पर्पज के लिए जिए। तो वेरी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सेशन वॉज वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है आपको। ये म्यूटेड हो आप, म्यूटेड हो आप सुशील शर्मा जी, म्यूटेड हो आप। शायद मुझे अभी निकलना पड़ेगा, बेटा का फोन आ गया, गाड़ी लेके आ गया होगा बाहर। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैं सबको शुभरात्रि बोलता हूँ और धन्यवाद। ये मैं तो नहीं, मेरे लिए तो पहला ही ये वर्जन वन था मेरे लिए सर। मैं बाकी कितने भी ट्रेनिंग दिया होगा, लेकिन ऑनलाइन होम्योपैथी के लिए दिस वॉज माई वर्जन वन। तो वो भी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आई कुड ओपन अप जरा। तो थैंक यू वेरी मच माय परिवार, माय सफल परिवार, एंड यू आर ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन। तो फ्रेंड्स, अभी किसी का सवाल था सोरोसिस के लिए, एक हमारे फ्रेंड है वो भी होम्योपैथी डॉक्टर है और उनकी मिसेस को सोरोसिस था, तो वो ठीक हो गई है मतलब होम्योपैथिक से, बहुत काफ़ी इलाज करवाया था उन्होंने एलोपैथिक वगैरह से, और सर्दियों में शायद वो दिक्कत और बढ़ जाती थी, तो अब वो पूरी तरह से ठीक है। तो ये पॉसिबल है होम्योपैथिक जो मेडिसिन है इसमें सब पॉसिबल है उसके से। सुनीता त्यागी जी आप फॉरम फॉरम पे हैं, काजी तरवीर जी, तो फ्रेंड्स और किसी को सवाल पूछना है, सवाल जवाब करने हैं तो हम कर सकते हैं थोड़ी देर, काफ़ी टाइम हो चुके हैं, ऑलरेडी 10:20 हो चुके हैं। तो कुमार गौरव जी आप कुछ करना चाहें? हरविंदर जी, हाँ जी सर, कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया रहा सर, नया सलमान सर ने भी एक्सपेरिमेंट करा और काफी अच्छा रहा, कुछ नया सीखने को मिला हमें भी, ऐसा भी हो सकता है तो बहुत सारे लोग हमें वन टू मैन में भी जा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन भी वर्कआउट में भी हम बैठ सकते हैं या और भी हो, तो बहुत ही बढ़िया रहा।
नारायण सिंह जी की कुछ बातें रह गई थी अधूरी, वो पूरी करा लेते हैं। नारायण सिंह जी से बात हो गई, नारायण सिंह जाके लगा आपने पुकारा वो चले गए। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। और काजी तनवीर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं सुबह के सेशन में। गुड नाइट, बाय बाय। गौतम जी ने किया हुआ है एडमिट ना जी? गौतम जी ने किया हुआ है। गौतम जी को आवाज लगाई थी, आए नहीं थे। गौतम जी, गौतम चंद मोदी जी कुछ कह तो रहे। यस गौतम जी, चलिए ठीक है सर। गौतम जी सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। सुबह मिलते हैं सुबह के सेशन में। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट।